अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। टेक्स्ट एंड पे होगा अली रजा, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत सारे स्क्रैपर हैं यार, अभी फेसबुक के लिए
देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले यूज किए हैं, अब शायद वो काम ना करें। जी ठीक है, बताइए कल तक जो हमने किया है सब क्लियर आप लोगों को? चलो गुड हो गया जी। Oh.
आप लोग ना सिर्फ सर्विंग एरिया देखा करो, जहाँ पे वो इमेज सर्व होनी होती है वो साइज क्या होना चाहिए, सिर्फ ये देखा करें। हाउ वी कैन गेट टू नो व्हाट शुड बी द सेम इमेज साइज। हाँ, सर्विंग एरिया, जैसे प्रोडक्ट के केस में मैंने कल 400-500 का इमेज लिया है, तो मुझे पता था कि सर्विंग एरिया जो है वो इतना ही है, उससे ज्यादा इमेज लेने की जरूरत ही नहीं है। कैटेगरी के ड्रॉप डाउन नहीं लग रहा, लग सकता वर्डप्रेस में कि ऊपर जो जिस कैटेगरी पे क्लिक करें उस प्रोडक्ट शो हो, या फिर ये थीम डिपेंड करता है, लग सकता है ना, वो मेन्यूज में जाके आपने ऐड करनी है। हमजा, मैं दिखाऊंगा आपको लगा के। कोई एक्यूरेट इमेज साइज नहीं है, डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट के अंदर क्या सर्विंग एरिया है, कहाँ आप सर्व करवाना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर रहे होते हो। नहीं जी, आपके क्लास वालों को मैसेज कर रहा था, कुछ किसी के क्लाइंट का इशू आया हुआ था। करें जी स्टार्ट। अटेंडेंस मार्क हो जाती है अभी अभी, हो सकता है कि किसी वजह से अभी ज़्यादा साहब ने ऑन ना किया हो, थोड़ी देर वेट कर लिया करें, अभी हो जाती है।
यार ने देखी होंगी। हाँ स्नैन आपका यार मुझे मैसेज मिल गया, मैं देख रहा था, असल में मैं मोबाइल पे था तो मैंने वो लिंक्स देखे नहीं थे प्रॉपर, तो मैंने कहा कि मैं आपको ना थोड़ा सा उसको देख के उसके बाद वॉइस नोट सेंड करूंगा, बताऊंगा, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा। क्या कह रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। इकराम आपको भी करता हूँ मैं भी यार, क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स खुद कैसे ऐड करेगा, उसका कोई एडमिन पैनल बनता, अपनी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेगा, मतलब समझ नहीं मुझे आपके क्वेश्चन की। चलें स्टार्ट करते हैं, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, और आज हम लोगों ने बिरलो करना है, तो मैं ये शॉपिफाई जो है मैंने इसको ओपन कर ली है, और यहाँ पे हम आगे फर्दर लेके चलेंगे इसको। मतलब सर अगर किसी साइट के लिए वेबसाइट बने जाते ई कॉमर्स वर्डप्रेस पे, तो प्रोडक्ट हर दफ़ा हम ही ऐड करके देंगे, हम क्यों देंगे यार, वो लॉगिन उसका हो जाएगा, सब कुछ उसका हो जाएगा, खुद करे, हमें पे करेगा तो आप भी करके देते रहेंगे, तो पार्ट टाइम तो आप नहीं करोगे ना, आपको पे कर रहा होगा तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। चलें जी, आज हमने करना है जी ओबरलो। ओबरलो है जी अली एक्सप्रेस के लिए, अली एक्सप्रेस के थ्रू अगर आपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट इंपोर्ट करना हो शॉपिफाई के अंदर, तो हम एक ओबरलो ऐप है जो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं स्ट्रेट वे ऐप्स में जाने लगा हूँ ये जो आपके पास आ रही हैं, और ऐप्स में जाके हम ओबरलो ऐप्स जो है उसको ऐड करेंगे, तो आपको प्लगइन की तरह इंस्टॉल करना भी आ जाएगा। यहाँ पे आके आप विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाएंगे,
वो कह रहे हैं कि आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, तो हमने जो बटन बैज लेवल वाला जो बनाया था इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास हमने स्टोर आ गया। यहाँ पे आप आगे सर्च करोगे बिरलो, OBERLO। ये पेड है, स्टार्ट में आप इसको स्टार्ट करेंगे, कुछ ट्रायल है उसके बाद ये पेड है। तो ये ओबेरलो शॉपिफाई का अपनी ऐप है जी, ओबेरलो ड्रॉप शिपिंग ऐप, इसे हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जिस तरह प्लगइन हम करते थे बिल्कुल वैसे ही है। ये इसके बारे में, इसके रिव्यूज और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको ऐड ऐप किया, जी आप यहाँ पे इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे, योर अबाउट इंस्टॉल अबेलो, ये भी आपके पास इंस्टॉल होके डायरेक्ट आपको अबेलो का जो डैशबोर्ड है ये वहाँ ले जाएगा। ये दिखा रहा है लॉग इन विद अबेलो अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट करते हैं क्योंकि हमारे पास पहले नहीं बना हुआ। क्रिएट अ बर्लो विथ शॉपिफाई, लॉग इन, हमने कौन सा ईमेल यूज किया था, जो बर्टन बैच 9। ज्वाइन बर्लो फ्री अकाउंट बना लेते हैं बर्लो पे। ईमेल ईमेल तो नहीं, कुछ और ही हो गया। यहाँ पे जो बटन वाला जो ईमेल है batch11, पासवर्ड क्रिएट अकाउंट, ये बर्लो अकाउंट बना रहे हैं। स्किप इंटर टू बर्लो मैं कहता हूँ, मैं स्किप करता हूँ बाकी सब कुछ। ये आपके पास आ गया जी ओबेरलो का डैशबोर्ड। यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप वो बता रहा है बिल्ड योर बिजनेस विद ओबेरलो, और यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट कनेक्ट योर विद शॉपिफाई स्टोर। तो ये काम हमने कर लिया है, और उसके बाद अब ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ये ऐड करो, फिर गो लाइव करो, फिर मेक अ सेल, और इस तरह सारी ऑप्शन दे रहा है। ये क्विक ओवरव्यू भी दिया हुआ है उसने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओबेरलो काम कैसे करता है, लेकिन वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो स्ट्रेट वे मैं आपको
इसकी वर्किंग पे लेके जाता हूँ। सबसे पहला काम, अली एक्सप्रेस में ओपन करता हूँ साथ और आपको दिखाता हूँ कि ये असल में करेगा क्या, ये हम प्लगइन क्यों यूज कर रहे हैं। साथ है ना मेरे? दमशा पता नहीं वो क्या इशू है आपका, टेक्निकल इशू ही है कोई, वर्डप्रेस पे नहीं करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ आपका शॉपिफाई पे करेगा। वर्डप्रेस के लिए अली ड्रॉपशिप के नाम से एक प्लगइन है जो सेम काम करता है, वो भी पेड है। तो ये आपके पास देखो, अगर अली एक्सप्रेस के थ्रू आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो यहाँ अली एक्सप्रेस पे अगर आप आते हो और यहाँ से कोई प्रोडक्ट भी उठा के आपने लेके जानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आपको वो प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से सारी पिक्चर्स उसकी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अगर सेम एज इट इज भी अगर आप लेके जाते हो, आपने फेसबुक एड चलानी है या कुछ भी करना है, आप कहते हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करूँ, और आप जो प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से पड़ी हैं उन्हीं के ऊपर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट ओपन करेंगे, प्रोडक्ट के जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको वन बाय वन यहाँ से इंपोर्ट करके लेके जानी पड़ेगी आपके स्टोर के ऊपर। मीन्स कि आप टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी करके आप लेके आएंगे, जिस तरह मैंने आपको कल सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने का बताया, वो सारा प्रोसीजर होगा। तो लेकिन मैं अगर कुछ, मेरे पास ऐसा सोल्यूशन आ जाए कि मैं एक क्लिक करूँ और जो मेरी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट है वो एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर चीज जो उसकी है वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट होके वो मेरे स्टोर के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो कैसा हो जाए, इमेजेस और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इकट्ठा ही वहां पे मूव हो जाए, तो बेस्ट नहीं हो जाएगा? मीन्स के ये आइटम ओपन हो गई, कौन सी लैंग्वेज आ गई है, अच्छा ये अली एक्सप्रेस डॉट आर यू आया पड़ा है, डॉट कॉम कर दूं, रशियन में आ रही थी वो, इधर उधर लेके जा रहे हैं। चले मैं इसको एक दो इंग्लिश करके बस आपको तो बताऊंगा। तो यहाँ से देखें, सिंपल जो मैनुअल वे है, वो मैनुअल वे क्या है कि आपको एक एक चीज यहाँ से मूव करनी पड़ेगी। आप यहाँ से टाइटल कॉपी करोगे, फिर आप यहाँ पे इसके प्राइसिंग और इसकी जो पिक्चर सारी की सारी आपको डाउनलोड करके लेके जानी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद इसकी जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे कॉपी करके आपको लेके जाने पड़ेंगे, जो ईच एंड एवरीथिंग आपको वन बाय वन मूव करनी पड़ेगी। लेकिन ओबेरलो के अंदर ये ऑप्शन है कि आप इस प्रोडक्ट को वन क्लिक के अंदर पूरी इंपोर्ट करके अपने स्टोर के ऊपर लेके आ सकते हो, इसलिए हम ओबेरलो यूज कर रहे हैं। तो ये करता क्या है कि आप यहाँ पे होम पे आए और यहाँ देखें आप इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है और प्रोडक्ट्स का आ रहा है, ऑर्डर्स का आ रहा है, नोटिफिकेशंस का आ रहा है, फाइंड प्रोडक्ट्स का आ रहा है। आप शॉपिफाई को विद इन ओबेरलो जो है ना ओपन कर सकते हैं। वो कैसे, फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करें और जैसे ही फाइंड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया, तो आपके पास ये देखें पूरा शॉपिफाई जो है उसकी सारी कैटेगरीज और उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके सामने ओपन होगी, ये देखें। और कुछ भी सर्च करना चाहते हो आप सर्च भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जैसे कल मैं लिख रहा था रिंग्स, तो रिंग्स और वोमेन जो मैं कल लिख रहा था शॉपिफाई पे जाके, अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ तो जिस तरह से लाइक मैं कह रहा हूँ अलीएक्सप्रेस पे जाके लिख रहा था, वैसे ही मैं अगर विद इन ओबेरलो फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाके लिखूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा, ये देखें ये वो रिंग्स, ये शॉपिफाई, ये जो अलीएक्सप्रेस है वो आपका यहाँ पे सर्च हो रहा है सारा, ठीक है। तो आपने ये कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, जैसे ये वाली रिंग थी ना जो कल मैंने वहां से इंपोर्ट की और जो मैं वहां से लेके चल रहा था, मुझे अगर इसको इम्पोर्ट करना है, मैं इसको एक क्लिक के अंदर ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगी और मैं इसको एडिटिंग वगैरह करके लाइव कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, मैं अगर आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो गई है, ये इम्पोर्ट लिस्ट में जाता हूँ मैं, ये देखिए ठीक है जी, प्रोडक्ट पिक्चर, ये इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन,
आपके सामने है। मेरे पास एक ना इसको बंद कर लूँ, ये स्पीड स्लो कर रही है कुछ चीज़। चल, ये आपके सारे डिस्क्रिप्शन फीचर, ये आपके वेरिएंट्स, मीन ये प्रोडक्ट जो है जिस जिस कलर में जिस जिस साइज में अवेलेबल थी वही देखें सारे के सारे। और ये इमेजेस में चले जाओ तो 14 इमेजेस हैं टोटल, इसमें से जो आप लेके जाना चाहते हो अपने स्टोर में लेके जा सकते हो, जो नहीं लेके जाना चाहते ना लेके जाओ। तो हर चीज यहाँ पे आ गई है, एक क्लिक के अंदर ये इंपोर्ट लिस्ट में आ गई है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं ये जो 3 इमेजेस 4 इमेजेस सिलेक्ट हुए हैं बस यही लेके चलूँ। वेरियंट्स में आता हूँ, वेरियंट्स में अगर कोई साइज नहीं लेके जाना उसको अनचेक कर दूंगा, नहीं तो मैं सारे साइज लेके जाऊँ। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में सारी लेके जाऊँ, या इसके अंदर अगर कोई ब्रांड नेम है कोई चीज़ है तो मैं निकाल दूँ कि मुझे ये मॉडल नंबर नहीं चाहिए, कुछ चीज ऊपर ऐड करनी है मैं ऐड कर लूँ। प्रोडक्ट में आ जाऊँ, टाइटल है मुझे टाइटल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था रिटर्न रिंग्स रिंग फॉर वुमेन ऐसे कुछ, मैं ये मैंने टाइटल चाहिए, बाकी टाइटल मुझे नहीं चाहिए वो निकाल दूँ मैं। कलेक्शन है तो मैंने रिंग्स की कलेक्शन बनाई थी मैं वो सिलेक्ट कर लूँ, ये मेरे स्टोर की कलेक्शन हैं। चूज टाइप वगैरह जरूरत नहीं, चलो ये मेन मेन चीजें जो हमने कर ली। तो प्रोडक्ट आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गए, वेरिएंट्स आ गए, इमेजेस आ गए, जो चाहिए जो नहीं चाहिए, मीन्स कि आप यहाँ पे ये नहीं चाहिए ये चाहिए तो आप उसको निकाल दें, इसको ऐड कर लें, इस तरह सारे ऑप्शन आपके पास हैं। फिर एक मजे की चीज बताऊं, ये प्रोडक्ट जो है 1 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की लिखी हुई थी, जब फाइन प्रिंट में गया हूँ ना तो 1 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की थी। तो हुआ क्या है कि इसकी कॉस्ट जो है 5.83 पे पहुंच गई है, मतलब 5.83 इसकी टोटल कॉस्ट थी पहले, और प्राइस अब अभी जो है ना चेंज इसमें आया वो 11.66 हो गई है, मीन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया गया है, और प्रॉफिट मार्जिन 5.83 है। तो ये क्या कुछ हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये अभी ओबेरलो की मेन सेटिंग में से हमने सेट किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट हम अली एक्सप्रेस से इम्पोर्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपने जो प्राइस है वो हमारे स्टोर पर लिस्ट करनी है, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो, हम इसे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो था सिनेरियो उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 था, इस वजह से 5.83 जो उसकी वैल्यू थी वो डबल होके 11.66 हो गई हुई है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट टू स्टोर, इंपोर्ट टू स्टोर करेंगे तो ये लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी स्टोर के ऊपर। मैं इंपोर्ट टू स्टोर करता हूँ तो ये प्रोडक्ट आपकी स्टोर के अंदर लाइव हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होगा आप चले जाएंगे वापस, हो चुकी हुई है ये, और अब ये एडिट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई भी की जा सकती है डायरेक्ट वहां जाके, वरना मैं यहाँ आता हूँ अपने शॉपिफाई पे वापस और प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, और प्रोडक्ट्स में जाके मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे आया, और ऑल प्रोडक्ट्स में देखें अगर आप तो ये रिंग जो है वो जो मैंने कल अपलोड की थी 9 वेरियंट्स के साथ, और ये जो है रिंग जो अभी मैंने इम्पोर्ट की है जिसमें 37,313 इन्वेंट्री है, 21 वेरियंट्स है, ये आपके सामने आ चुकी हुई है, इसको यहाँ प्रीव्यू करो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। अब मजे की बात क्या है कि शॉपिफाई जो बैरलो है वो शॉपिफाई को चेक करता रहेगा कि जैसे वहां पे इन्वेंट्री कम हो रही होगी मेरे स्टोर की पे इन्वेंट्री कम हो रही होगी तो ऑटो चेक रखेगा कि कौन सी चीज ऑटो स्टॉक हो रही है कौन सी चीज इन स्टॉक है। वो जो मैनुअल करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता कि मैं इस रिंग को मैनुअल लेता रखता और स्टार्ट में क्वांटिटी नोट कर लेता, पर मुझे क्या पता वहां पे एलीएक्सप्रेस पे कितनी वो बिक चुकी हुई है, तो मेरे लिए मेंटेन रखना क्वांटिटी को माइंड में रखना या उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था। बैरलो मेरे भी हाँ पे वो सब कुछ करेगा। ठीक हो गया, तो आपने ये देखें ये सारी आइटम यहाँ पे आ गई, और जो ये 37,000+ क्वांटिटी आ रही है, जितनी क्वांटिटी एलीएक्सप्रेस पे कम हो रही होगी ये ऑटोमेटिक कम हो रही होगी, क्योंकि एवरी फ्यू आवर्स जो है ना वो बेरलो मेरे भी हाफ पे एलीएक्सप्रेस पे चेक करेगा कि वहां पे ये इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी हुई है, किस वेरियंट की कितनी क्वांटिटी रहेगी है, वो सब कुछ करता रहेगा। तो देखो कहाँ पे मैनुअल लिस्ट करना, कल मैंने 9 वेरियंट्स बनाए थे तो कितना टाइम लगा था, और इसमें देख लें 1 क्लिक के अंदर आपने कैसे इंपोर्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताएं मुझे।
अभी तो मैं और करके दिखाऊंगा। बिरलो बहुत बड़ी चीज है, अभी तो आपको मैंने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है जी। अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट को कर सकता है बिरलो, सिर्फ डबल प्राइस का पहले सेट था, आप उसको चेंज कैसे करना है मैं बताने लगा हूँ। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कैसे आप फाइन प्रोडक्ट में जाके कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं विद इन और बेलो आप अली एक्सप्रेस में से, और कैसे उसे वन क्लिक में आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इम्पोर्ट दोबारा करूंगा, पर उससे पहले मैं सेटिंग करना बताता हूँ आपको कि लाइक इस आइटम की प्राइस 2.64 है एक ग्लासेस। मैं कहता हूँ जी कम से कम $10 में मुझे सेल करनी है, मैंने अपने बैक एंड पे सेटिंग कर सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट भी मैं इम्पोर्ट करूँ मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाए ऑटोमेटिकली मेरे स्टोर पे लिस्ट होने से पहले पहले। तो जिस तरह से ये हुआ है आपके पास कि लाइक साइज 6 और जो मॉडल नंबर वगैरह वो आपने किया और सब सेलेक्ट किया, तो 10.70, 5.8 समथिंग प्राइस थी और कहाँ उसको 10.70 पे पहुंचा दिया इसने ऑटोमेटिकली। क्यों किया है? क्योंकि मैंने ओबेरलो में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग थी वो ये थी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो के यहाँ प्राइसिंग जो है सेट हो ताकि प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा रहे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। अब फाइंड प्रोडक्ट और इम्पोर्ट लिस्ट आपने देख लिया कि फाइंड प्रोडक्ट में चीज फाइंड करनी है, वन क्लिक में इम्पोर्ट हो जाएगी, इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगी, इम्पोर्ट लिस्ट में जाके आप उसे एडिट कर सकते हो जिस तरह से करना चाहो, और उसके बाद आप उसको लाइव कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर पे। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। तो ये बिल्कुल बॉटम पे आप देखें लेफ्ट साइड पे ये सेटिंग्स ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे करेंगे क्लिक। ये मेरे पास सेटिंग्स आ गई। ये सबसे पहले पूछ रहा है स्टोर का नाम, स्टोर का नाम देंगे, सेट न्यू प्रोडक्ट्स एज पब्लिश्ड यस। ये आपको कोई गाइड भी बता रहा है 11, बस ये सारे स्टेप्स अगर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्टेट पे जाता हूँ मैं। अच्छा ये मेन सेटिंग्स है, स्टोर का नाम लिखें, सेट न्यू प्रोडक्ट्स एज पब्लिश्ड, सेट प्रोडक्ट्स एज टैक्सेबल, सेट प्रोडक्ट यूनिट फॉर ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रोडक्ट वेट, इफ दिस सेटिंग इज ऑन वी विल आस्क यू टू सेट द वेट फॉर एवरी प्रोडक्ट वेरियंट। तो अगर ये ऑन नहीं होगा तो जो उसका अलीएक्सप्रेस से वेट आएगा वही आगे चला जाएगा। नोटिफाई कस्टमर अबाउट शिप्ड ऑर्डर्स, तो जो शिप्ड ऑर्डर्स हो चुके हैं उसके बारे में लोगों को नोटिफाई करना है, तो यस नोटिफाई कस्टमर्स। ये सारी चीजें जो आपकी आ रही है ना यहाँ पे नोटिफाई कस्टमर्स भी कर देते हैं। असल में ओबेरलो का एक और फीचर है वो ये है कि आप ओबेरलो के थ्रू ही अलीएक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। तो ये उस सिनेरियो में ये बात बोल रहा है आपको कि जब ओबेरलो के थ्रू आप अलीएक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जाएगा जैसे ही वो ऑर्डर जो है वो शिप होता है, और उसकी जो उसका जो ट्रैकिंग नंबर होगा ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बता दी जाएगी। तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको दे रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से करता है। फिर ऑटो अपडेट्स की बात आ रही है, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल क्या करो, डू नथिंग। आपने ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया है, इसके 37,313 टोटल स्टॉक है, इसकी इन्वेंट्री है, अब वो खत्म हो गई है उसमें से, या कोई वेरियंट खत्म हो गया है, कोई एक कलर खत्म हो गया है। तो ओबेरलो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्रोडक्ट जो है पूरी प्रोडक्ट ही मतलब वो खत्म हो गई, एक जो भी था अगर सिंपल प्रोडक्ट थी एक ही प्रोडक्ट थी उसका एक ही वेरिएंट था, तो प्रोडक्ट अब अवेलेबल नहीं है नो लॉन्गर, तो क्या करना है, डू नथिंग कुछ भी ना करो, बस ऑर्डर आते रहे आपको। अगर ऑर्डर आते रहे आप कहाँ से पूरे करोगे, तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप यहाँ सेट करोगे कि अनपब्लिश हो जाए प्रोडक्ट। अनपब्लिश हो जाए तो क्या होगा कि प्रोडक्ट स्टोर पे विजिबल ही नहीं होगी, तो आपके लिए टेंशन ही नहीं है, ऑर्डर प्लेस ही नहीं होंगे। सेट क्वांटिटी टू जीरो, क्वांटिटी जीरो हो गई तो भी ऑर्डर प्लेस कोई नहीं कर सकता, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम होगा कि आप कोई बैकअप जो है वो देख लें, और जो इस बंदे के पास तो खत्म हो गई लेकिन किसी और के पास अवेलेबल है, तो उससे लेके मैं उसकी इन्वेंट्री को यहाँ पे इम्पोर्ट करके इस प्रोडक्ट को सेल करता रहूँ। तो बर कुछ ना कुछ इन दोनों में से आपको करना पड़ेगा, या क्वांटिटी जीरो कर दें या अनपब्लिश कर दें। क्वांटिटी जीरो से एक और फायदा भी ये होता है कि वही बंदा कल को अपनी इन्वेंट्री दोबारा अपडेट कर दे और नई इन्वेंट्री ले आए, तो यही सेम प्रोडक्ट में इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। तो आपने इन दोनों में से कोई ऑप्शन करनी है, डू नथिंग नहीं करना, वरना ऑर्डर आते रहेंगे और आपके पास अगर वो चीज़ नहीं अवेलेबल तो फिर आप क्या करोगे। तो सेट क्वांटिटी टू जीरो अगर मैं करता हूँ ये हो गया, साथ नोटिफाई मी मुझे बताना भी है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, खत्म हो गई है, व्हाट वेरियंट इज व्हेन वेरियंट इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल, एक कलर गायब हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, रिमूव वेरियंट, वो वेरियंट ही खत्म कर दो, कलर ही निकाल दो प्रोडक्ट में से, क्वांटिटी जीरो सेट कर दो, ऑर्डर फिर भी नहीं आएगा, साथ नोटिफाई करो मुझे ईमेल आई। व्हेन द कॉस्ट चेंजेस, प्रोडक्ट जो आप अली एक्सप्रेस से उठा रहे थे वो आज थी $10 की, कल होगी $12 की, तो यहां पे क्या करना है फिर जब कॉस्ट चेंज हो जाए, डू नथिंग,
कुछ भी ना करो, अपडेट प्राइस एंड कंपेयर प्राइस, कंपेयर एट प्राइस। तो वो जो प्राइस और कंपेयर एट प्राइस है, अगर पहले प्रोडक्ट $10 की थी और मैंने उसको सेट किया हुआ है 3 से मल्टीप्लाई, तो $30 की प्रोडक्ट लिस्टेड है मेरे पास। अब प्रोडक्ट हो गई है $12 की, तो मेरे पास वो 36 में हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मेरा वही मल्टीप्लाई 3 वाला फार्मूला काम करेगा। तो अपडेट प्राइस एंड कंपेयर प्राइस वाला काम, कि पहले प्राइस थी 5,000, अब 3,000 की मिल रही है, तो 5,000 भी ज्यादा हो जाए और 3,000 भी 3,600 में चला जाए। तो ये अपडेट वाला काम जो है ना, वो सबसे बेहतर है। ये आप करें, साथ नोटिफाई किया जाए आपको कि ये कुछ हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेन इन्वेंट्री चेंजेस, जब इन्वेंट्री चेंज हो तो क्या हो, इन्वेंट्री मीन्स के अपडेट हो रही है। पहले 20 प्रोडक्ट्स रह गई थी, अब 30 हो गई हैं, 40 हो गई हैं, 50 हो गई हैं, या उसने 200 का स्टॉक और ला के ऐड कर दिया है, तो क्या होगा, अपडेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री जो है आपकी शॉपिफाई पे भी अपडेट हो जाएगी। तो अली एक्सप्रेस के ऊपर जो जो ये कुछ हो रहा होगा ना, उसकी बेस पे आपके स्टोर के ऊपर भी चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। तो ये सेटिंग्स करना जरूरी थी, ये पहले से सही डिफॉल्ट सेटिंग सही नहीं थी, तो ऑटो अपडेट्स आपको ये सेट करना है। ये ऑटो अपडेट्स वाला पार्ट समझ आया या नहीं आया, ये बड़ा केयरफुली आपको समझने की जरूरत थी, ये मुझे बताएं। ओबेलो में ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये चीज क्या है, ये इन्वेंट्री अपडेट होना या वेरिएंट गायब होना या जीरो क्वांटिटी सेट होना क्यों जरूरी है। क्लियर हो गया, जबरदस्त हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री चेक और रीच एंड एवरीथिंग जो है ना, उसको मेंटेन रखेगा। जनरल के बाद है ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स। अब अच्छा, वो मैंने सेव नहीं किया, ये सेव सेटिंग कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स पे। तो ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स में अब वो प्राइसिंग वाला काम है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 3 करना है, क्या करना है। इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये देखिए, सबसे पहले ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स, प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट कॉस्ट। कि जितना भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, लाइक ये प्रोडक्ट अगर $10 की है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होके, या 10.22 की है ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होके ये 20.44 हो जाएगी आपकी प्राइस, मल्टीप्लाई 2 होगा। और प्रोडक्ट कॉस्ट जो कंपेयर प्राइस होती है, कंपेयर प्राइस क्या है जी, पहले इसकी प्राइस ये जो 19.29 थी और अब 10.22 है। मैं दूसरे को एक बार छोड़ रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये लिखा हुआ है पहले इसकी प्राइस जो कट प्राइस थी वो 19.29 थी और अब इसकी 10.22 है, तो क्या होगा, दोनों प्राइसेस मल्टीप्लाई होंगी। और बिरलो क्या करेगा, 10.22 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो क्या बन जाएगा, 20.44 ये प्राइस सेल प्राइस बन जाएगी। और कंपेयर प्राइस क्या होगी, 19.29 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो वो 38.58, इतनी तकरीबन बनेगी वो आपकी कंपेयर प्राइस हो जाएगी। तो वो दोनों प्राइसेस को अपडेट करेगा और 50 वो लिखा हुआ आएगा कि ये 58.58 पहले था और अब इसकी 20.44 है। तो इस तरह से आपकी प्राइसिंग लिखी भी आएगी। तो दोनों का रूल लगाया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए। अब अगर आप कहते हो कि नहीं, 2 मार्जिन कम है, मुझे उसको एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 पे रखना है, तो आप 3 इसे कर सकते हैं। तो जो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपकी जो सिनेरियो है, जिस किस्म की प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन, उसकी जो फेस वैल्यू है, वो सब कुछ देखते हुए आपको लगता है कि इस नंबर के साथ मुझे मल्टीप्लाई करवाना है वरना मेरा जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आता, तो वो आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, जो अली एक्सप्रेस की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आपके शॉपिफाई स्टोर की कॉस्ट बन जाएगी। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अगर सेंट्स वगैरह जो है वो भी साइन करना चाहते हैं, 9.99, 10.22, इस तरह से चीजें जो है वो करना है अगर आपने 0.99 वगैरह, तो आप फिर सेंट्स वगैरह जो है वो भी असाइन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपको पता है ना कि 9.99 लिखा हो तो ज्यादा वो इफेक्टिव होता है, 10 पूरा लिखा हो तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ऐसा कुछ सिनेरियो करना हो तो फिर आप ये चीजें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आपको ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स है, रूल है आपका, ये सेव कर दें। उसके बाद सप्लायर्स हैं,
सप्लायर्स के अंदर ये है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट शिप टू मेथड, या डिफरेंट अगर सप्लायर्स वगैरह आपके जो पर्सनलाइज शिपिंग मेथड वगैरह देना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपने इसको यूज करना होता है। तो इन सम केसेस आपको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होगा, वरना जरूरी नहीं है आपको ये हर केस के अंदर। सो इसको जो डिफॉल्ट है फिलहाल वही रहने देते हैं। इसमें अगर एडवांस तो करना हो तो फिर आप इसको लेके जाओगे प्रोडक्ट शिपिंग टू, और उसके बाद ये आपके जो डिफरेंट मेथड्स हैं शिप करने के, अगर यूएस है तो उसके लिए हम ज्यादातर ई पैकेट यूज करते हैं। लेकिन ई पैकेट का इशू ये आया हुआ है आजकल कि जब ये ट्रम्प था तब उन्होंने एक दफा उसको खत्म कर दिया था, तो बड़े प्रॉब्लम्स बने थे क्योंकि बाकी शिपिंग काफी एक्सपेंसिव थी। तो इन्होंने किया भी इसलिए था कि चाइना से जो इतनी ज्यादा वो डिलीवरीज वहां जाती हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि उनके रिलेशन जो है आपको पता है किस किस्म के थे, इस वजह से उन्होंने प्रॉब्लम किया था। तो बहरहाल मेन चीज ये है जो आपको परफॉर्म करनी थी। उसके बाद जीडीपीआर या आपका डाटा सिक्योरिटी जो है उसकी उसके रिलेटेड, और उसके बाद अदर्स में आपका जो टाइम जोन वगैरह है वो जो आप यूज कर लियो बेरलो में वो आप यूज करते हैं। सो दैट इज इट। तो मेन चीज आपका था ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स, और फिर जनरल में ये जो अपडेट्स ऑटोमेटिकली आ रही हूँ ये आपकी करना जरूरी थी, ये आपका होना जरूरी थी, तो ये हम लोगों ने देख ली। अब मल्टीप्लाई थ्री कर दिए है तो अब हम करके देखते हैं दोबारा प्रोडक्ट को इम्पोर्ट। मैं फाइन प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, और फाइन प्रोडक्ट्स में आने के बाद मैं दोबारा से कोई गति प्रोडक्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ। मीन्स के एक और चीज बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ आ रही होती हैं इसमें आपको बिरलो और क्या इन्फॉर्मेशन देता है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है जी कि देखिए यहाँ पे ये ग्लासेस है, अब ये ग्लासेस कितने स्टोर सेल कर रहे हैं, ये देखो 8,000 इम्पोर्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि बर्लो की ऐप को यूज करते हुए 8,000 टाइम इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया गया है। नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू अबरलो स्टोर्स, तो 8,000 टाइम्स उसको ऐड किया गया है, और जो ऑर्डर्स उसमें से जनरेट हुए हैं 125 है। 125 ऑर्डर्स, नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट हैज बीन ऑर्डर्ड थ्रू अबरलो एंड और अली एक्सप्रेस इन द पास्ट 30 डेज। तो आपको आइडिया हुआ कि प्रोडक्ट सेल कितनी हो रही है और प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कितना किया जा रहा है, अबरलो के थ्रू कितने शॉपिफाई स्टोर इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, और प्लस ये इसकी टोटल जो सेल्स हैं लास्ट 30 डेज के अंदर वो कितनी है। तो उस बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किस प्रोडक्ट को लेके जाना है, कौन सी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट लग रही है और कौन सी नहीं लग रही है, तो फिर आप इस तरह से वो इम्पोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट है, अगर आपका स्टोर इस चीज के रिलेटेड है, इस आपकी कैटेगरी नीच है, तो आप देखें कि 3,436 टोटल इम्पोर्ट हुई है और 1,749 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, जो फिलहाल ये जो जितने भी यहाँ पे, बल्कि ये वाला ये ग्लव्स उससे भी ज्यादा हुए हैं, 1,687 आपके हुए हैं, ये 2,687 जो है ना टोटल ऑर्डर जनरेट हुए हैं यहाँ पे। तो मीन्स कि कुछ हॉट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं आपको जिसको लिया जा सकता है, तो आपने इस तरह से फिर लेना होता है कि मुझे कौन सी चीज लेके चलनी है, कौन सी प्रोडक्ट लेके चलनी है, आप इस तरह से लेते हो। फिर तो ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है दोनों सेम ही है, लेकिन ये वाली ज्यादा सेल हुई है। बहरहाल ये डाटा भी आपको हेल्पफुल होगा कि आप उसकी बेस पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना। अब ये प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, ये 4,274 टाइम्स इम्पोर्ट हुई है बर्लो के थ्रू, ऑर्डर्स इसके 2,687 आए हैं लास्ट 30 डेज में। इम्पोर्ट करना है तो ये एड टू इम्पोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे सिंपल क्लिक करें और इम्पोर्ट कर लें। अच्छा एक और चीज, ये आपके पास चूज शिपिंग कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कैलकुलेट योर शिपिंग अवेलेबल मेथड जो है। तो मैं अगर कहता हूँ कि मुझे इसको शिप करना है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मैं यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सर्च करूंगा तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये दो मेथड्स आ रहे हैं, अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग 45 से 45 डेज, 2.67 इसकी कॉस्ट पड़ेगी। आप कहते हो मुझे कनाडा में शिपिंग कॉस्ट का पता लगे वो कितनी है, तो कनाडा लिखें तो ये देखें कनाडा के अंदर ई पैकेट भी अवेलेबल है, जो बड़ी अच्छी आपका शिपिंग मेथड है, 16 से 26 डेज, अराउंड 1 से 2 वीक्स के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाएगी, तो इस पे जाया जा सकता है। और इसकी शिपिंग कॉस्ट 8.91 है, तो आपको देखना पड़ता है ना कि अपने शिपिंग भी पूरी करनी है, शिपिंग कॉस्ट को भी आपने मैनेज करना है, और फिर जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन और सारी चीजें माइंड में रख के आप इस चीज को सेल कर रहे होगे। सो ये आपके पास ऑप्शन है, आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हो, जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करके देखना है। ई पैकेट 7.72 है, अब मैं ओके करता हूँ, ये देखें अब ये मुझे लेनी है, मैं इसको इंपोर्ट लिस्ट में ऐड करूंगा, ये आपकी सीधी इंपोर्ट लिस्ट में चलेगी। इंपोर्ट लिस्ट में चले जाओ, वहां पे ये प्रोडक्ट पड़ी होगी उसको एडिट करो, एडिट करके जिस तरह उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो कुछ जैसे रखना है वो करने के बाद आप उसको फाइनल शॉपिफाई पे लाइव कर दोगे। तो
अपनी कैटेगरीज मल्टीपल आपने कलेक्शंस बनाई होंगी तो वो यहाँ आ रही होंगी, तो जिस कलेक्शन में ऐड करना है वो कलेक्शन लेंगे, टाइटल जो है उसको आप ठीक करेंगे। लाइक मुझे इतना सा ये टाइटल चाहिए सिर्फ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आके जो चीज़ चाहिए जो नहीं चाहिए ऊपर टॉप पे कुछ ऐड करना है वो ऐड करें। वेरिएंट्स हैं, 4 वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। अब वेरिएंट्स के नाम वगैरह जो है आपको नहीं अच्छे लग रहे, आप इससे बेटर नाम रखना चाहते हो वो रखो। प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 11.63 थी, और यहाँ पे देखो ये पाकिस्तान पोस्ट, क्योंकि हमने स्टोरी जो है वो पाकिस्तान, शायद उस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है, क्या किया है ये जो पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और मुझे यहाँ पे पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे तो कनाडा में शिप करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टोर कर रहा है तो कनाडा, और कनाडा के अंदर मुझे कौन सी शिपिंग यूज़ करनी है, अलीएक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग है या सेलर शिपिंग है। स्टैंडर्ड शिपिंग आपके 15 से 30 डेज लगते हैं, तो मैं ओके करता हूँ। ये वो कॉस्ट भी आपके पास आ गई, स्टैंडर्ड शिपिंग 5.81, तो 11.63 प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इसकी 12.959 है, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, चेक करें, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, तो ये कॉस्ट पड़ गई है, बन गई आपकी टोटल प्रॉफिट मार्जिन, ये आपके सामने आ रहे हैं। इन प्रॉफिट मार्जिन में से 5.81 शिपिंग भी है, ये भी माइंड में रखना है। तो अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हो तो ये भी आपने इसके अंदर ही मैनेज करना है, और या आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली शिपिंग चार्ज करो वेट वाइज, या जिस तरह से भी आप कर रहे हैं वो वैसे चार्ज हो जाएगी। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 होके अब ये जो प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे जाएगी वो 34.89, 37.77 इस तरह से ये जानी है। तो ये करने के बाद, सब कुछ ओके करने के बाद, आपने फिर सिंपल इसको, अब इमेजेस हैं, इमेजेस भी देख ले, इमेजेस में यहाँ पे कौन सा इमेज चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, और ऐड करने हैं तो उसको क्लिक करते जाएं, और ऐड होते जाएंगे। तो ये ऐड किए, ऐड करने के बाद इंपोर्ट टू स्टोर पे क्लिक किया, ये आपकी प्रोडक्ट इंपोर्ट होके स्टोर पे आ गई। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आगे पड़ी होगी। ये देखें 17,704 इसकी क्वांटिटी है, और ये आप प्रोडक्ट है, इसको व्यू करके भी आप देख सकते हैं, और अबेरलो के अंदर भी अगर कभी इसको एडिट करना पड़ो अबेरलो के अंदर से भी एडिट की जा सकती है। कैसे? इंपोर्ट लिस्ट से आप सिर्फ प्रोडक्ट्स में चले जाओ, तो प्रोडक्ट्स के अंदर वो पर्स होंगी जो अबेरलो के थ्रू आपने इंपोर्ट की होंगी अपने स्टोर पे, ये दो हैं आ रही हैं, इनको डिलीट करना है, इनको चेंज करना है, इनको एडिट करना है, वो यहां से भी किया जा सकता है और आप अपने मेन स्टोर से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सो समझ आइए बेलो की क्या कर रहा है। तो ये तो एक साइड दिखा दी, इसकी एक साइड और भी है। डिलीवरी डेज, जैसे मैंने आपको वो वायरल गैजेट्स वाला स्टोर बताया था कि प्रमोशनल आइटम्स पे हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं आपको विद इन 14 से 30 डेज, जैसे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था उसने, तो 14 से 30 डेज जो है ना डिलीवरी टाइम होगा। आलिया डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आपको इसमें लग रहा है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होगा, बिलीव मी, $2, 1.55 डॉलर की रिंग्स जो है ना वो मैंने खुद सेल की है। 2016-17 में आया था एक मेथड फ्री प्लस शिपिंग का, अभी भी चलता है लेकिन अभी अभी इतना ज्यादा वायरल नहीं है, उस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि कहते थे कि प्रोडक्ट फ्री में है सिर्फ शिपिंग पे करो और प्रोडक्ट ले लो, तो $10.97 शिपिंग होती थी, प्रोडक्ट फ्री है, जीरो प्राइस लिखी हुई है, लोग ऐड टू कार्ट करते थे, चेकआउट पे जाते थे और शिपिंग वहां पे लिखी होती थी 10.97 शिपिंग है यूएसए के लिए, तो 10.97 पे करो और आपको चीज मिल जाएगी। तो ये फ्री प्लस शिपिंग का मेथड था कि प्रोडक्ट फ्री है और शिपिंग 10.97 है। प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्या होती थी अली एक्सप्रेस के ऊपर, हार्डली $1, $2, आपको $3 पड़ रहा होता था बस। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरे प्रोफाइल के ऊपर मेरे जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर, शायद वो अभी भी वहां पे मेंशन हुआ आपको नजर आए। एक तो ये अली एक्सप्रेस पे है ना, क्या मुसीबत है ये, मैंने कोई आईपी लगाया है लेकिन वो आईपी खत्म बंद हो गया, लेकिन स्टिल उसका असर नहीं गया। तो 1 point something इतने डॉलर की सिर्फ कॉस्ट होती थी, और 10 10 डॉलर, 9.97, 10.97, इतनी इतनी शिपिंग चार्ज करके लोग बेचते रहे हैं।
तो प्रोडक्ट की फेस वैल्यू बड़ी चीज होती है। फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो चीज ले रहे हो उसकी फेस वैल्यू क्या है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट पे बात जाती है। तो अलीएक्सप्रेस के ऊपर चीजें बहुत चीप होती हैं, आप यही चीजें सर्च करोगे डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर तो बड़ी आपको इकोनॉमिकल नजर आएंगी। अब ये देखो, ये रिंग है, ये आपको अक्सर अक्सर सेम रिंग के ऑर्डर नजर आ रहे होंगे। ये टू रिंग्स हैं, ये सेम और सेम सेम ऑर्डर जा रहा है। मैंने खुद इतनी रिंग्स क्या करनी है, ये असल में सेल की हुई है, ये यहीं पे सेल की हुई है। 2016 की बात है, देखिए। अब ये रिंग है, ये 5.92 की रिंग थी, और विद शिपिंग वगैरह मिला के टोटल 8.36 बनता था। अब ये रिंग जो है वो 36 डॉलर्स के अंदर सेल हो रही थी, ये मैंने 36 के अंदर सेल की हुई है ये रिंग। अब आप देख के कहोगे यार कि ये किस तरह हो सकता है, कैसे लोगों ने ले लिया। एक फेस वैल्यू होती है, एक एक उसका मतलब, ये तो हम यहाँ देख रहे हैं ना कितने की है, लेकिन एक फेस वैल्यू होती है। आप बड़े बड़े स्टोर्स देखोगे ना, चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। पर मैंने आपको वायरल गैजेट्स नहीं बताया, उसके बाद तो आपको बात करनी नहीं चाहिए कि वायरल गैजेट्स के अंदर मैंने किस तरह से प्रोडक्ट्स आपको दिखाई जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 4 टाइम्स पे सेल हो रही है। 70 डॉलर की चीज वो 108 पे बेच रहे हैं, या 140 में बेच रहे हैं। तो फेस वैल्यू के ऊपर चीज डिपेंड कर रही होती है, मेन बात होती है। तो ये रिंग सेल की है मैंने 36 में, और 3.99 समथिंग, और प्लस वो शिपिंग वगैरह मिला के 8 डॉलर की कॉस्ट होती थी टोटल। ये देखें, ये रिंग्स हैं, ये भी इस तरह 2.21 की रिंग होती थी, ये 2 रिंग्स होती थी, और साथ इसके शिपिंग वगैरह मिला के पैकेट 6.83 में पड़ती थी। तो ये आप इसी तरह से, ये भी तकरीबन 16-17 डॉलर्स में, इतने में सेल की हुई है। ये डिफरेंट चीजें हैं, ये देखें, ये कैट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और ये देखें कितनी ज्यादा ये रिंग्स आपकी, बार बार वही ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, स्टिल वही ऑर्डर चल रहे हैं। तो ये सेल होती है, फेस वैल्यू एक बहुत बड़ी मायने रखती है। और मैंने आपको वायरल गैजेट्स जो ड्रॉप शिपिंग में बताया था, ये देखो कितने ऑर्डर्स हैं, हर पेज के ऊपर इसी के ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग हुई हुई है कि इनसे डाटा लेके आगे कस्टमर, आगे अलीएक्सप्रेस को दिया और इनसे शिप करवा दिया। ये 4-5 पेजेस में आगे गया हूँ और अभी भी वही ऑर्डर चल रहे हैं। ठीक है, ये 19 पेज पे चला जाता हूँ, 14 से 19 पे जा रहा हूँ, तो वहां पे ये नहीं होगा, तो कोई और आइटम जा रही होगी, लेकिन वो भी आपको इसी किस्म का कुछ नजर आएगा। ये देखें, अभी भी इस रिंग्स के ऑर्डर आए हैं। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं। तो ये सेल होती है, आपने अगर देखना है तो उस प्रोडक्ट को उठाओ, गूगल करो, और डिफरेंट जो रैंडम स्टोर्स हैं उस पर जाके देखो जरा, आपको पता लगे कि क्या क्या कॉस्ट है उसकी। तो ये चीज सेल होती है, फेस वैल्यू बहुत चीज होती है। 10 टाइम्स भी ले रहा था वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो लेते हैं लोग। ये हमें पता है ना ये चीज इतने की है, उन्होंने क्या, उन्हें क्या पता है, हम तो उनको दिखा रहे हैं, हम तो उन्हें एक अच्छा डिस्प्ले दे के प्रॉपर तरीके से मार्केट करके हम उन तक पहुंच रहे हैं, तो इसलिए चीज बिकती है। अब ये ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स के ऊपर जो चीजें मिलती हैं आपको, वो वही चीज आपको बहुत सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन आपको अगर पता हो कहाँ से मिलेगी, या अगर आप जो फैक्ट्री आउटलेट है वहां पे चले जाओ, चीज सस्ती मिलेगी, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो महंगी मिलेगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो चलते हैं इस तरह से, मैं आपको जिस वैसे बता रहा हूँ। सो बिकती हैं, आपको डिपेंड, आप अपनी प्रोडक्ट जब रिसर्च कर रहे होते हो, देखते हो कि कौन सी चीज किस वैल्यू पे सेल हो रही है। मैं अभी आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी एक टूल बताता हूँ। एक तो मैनुअल हंट भी हो सकती है कि आप डिफरेंट स्टोर्स को सर्च करें। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या किया जा सकता है कि आप फेसबुक पे जाओ, और फेसबुक पे जाके ना आप डिफरेंट वर्ड कीवर्ड्स लगा के सर्च कर सकते हो। मीन्स के प्रोडक्ट, अगर आपने हंटिंग करनी है कि प्रोडक्ट कौन सी इस टाइम पे चल रही है, तो जैसे मैं फेसबुक पे आता हूँ, मैं फेसबुक के थ्रू भी बताता हूँ आपको। ये फेसबुक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्च किया, मैं कहता हूँ यहाँ पे रिंग या कैट रिंग, तो जिस तरह से मतलब, तो ऐसे ऐसे नीश बेस्ड स्टोर बने होते हैं नर्सिस के लिए नेकलेस और कैट रिलेटेड रिंग्स, डॉग डॉग रिलेटेड रिंग्स और नेकलेस और इस तरह की चीजें, ऑल रिलेटेड बना बना के सेल होते रहे हैं। मैं खुद भी कुछ करता रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्ट रखने वाले हैं, जो कैट्स वगैरह रखते हैं, किटन रखते हैं, जो डॉग्स रखते हैं, वो फिर इस तरह की चीजें भी परचेज करते हैं। तो ये क्या हुआ, कैट रिंग्स या रिंग लिखना था मुझे, लिखा मैंने, ये देखिए। अब यहाँ पे आपके पास प्लेसेस में पोस्ट वगैरह चलें, ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अक्सर
कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जब आप देखोगे बहुत ज्यादा इंगेजमेंट है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, जब उसे ओपन करके देखोगे और बाकी उसकी पोस्ट उस पेज की देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर किसने ऐड चलाया होगा कभी ना कभी। ये देखें, ये देखो, तो इस तरह से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। मीन्स के एग्जांपल देने के लिए आपको मैं अगर यहाँ से कोई एक रिंग ओपन करूँ, मीन्स के यहाँ पे कई थी रिंग, जहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह थे, ये कुछ इसमें ज्यादा बेहतर है, मतलब उतने तो नहीं है, लेकिन चलो ये नेकलेस है मेरे हमने। हाँ जी, नहीं ये तो स्टोर के नाम के अंदर है, इस वजह से शायद आ रहा है। तो बहरहाल कोई प्रोडक्ट आप उठाएंगे, आप उसमें देखेंगे कि जिस डेट में पोस्ट हुई है वो डेट देखेंगे, नीचे उसकी इंगेजमेंट देखेंगे कितनी इंगेजमेंट आई हुई है, किस डेट से कब तक आई है, मतलब कितने दिन तक आती रही है वो देखा, और फिर इस पेज की बाकी पोस्ट को कंपेयर किया। क्या ये एक पोस्ट ऐसी तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आई है, बाकी सारी पोस्ट में तो लोग कुछ 10-15 से ज़्यादा लाइक ही नहीं करते, इसमें इतने ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, तो वो एक ट्रिगर होता है कि इसने इसके ऊपर ऐड चलाया होगा। तो वो कैसे होगा देखें, जैसे ये एक एक पोस्ट है, इस पर 448 लाइक्स हैं, 6 कमेंट्स हैं, 15 शेयर्स हैं। मैं आगे जा रहा हूँ, दूसरी पोस्ट इसकी देखो 3 लाइक्स, नेक्स्ट पोस्ट देखो 1 हार्ट, उससे नेक्स्ट देखो 6 लाइक्स, उससे नेक्स्ट देखो 3 लाइक्स, मतलब 3 एंगेजमेंट लाइक्स, जो लाइक्स आगे हार्ट्स आगे जो भी है, 5 5 8 7, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि इसकी तो टोटल एंगेजमेंट लेवल ही ये है, 5 6 7 लोगों से ज्यादा इसकी पोस्ट को कोई लाइक नहीं करता या एंगेज नहीं करता इतने ज्यादा लोगों से। तो ये पोस्ट क्या आ गई कि अचानक ही इसके ऊपर इतने ज्यादा लाइक्स आ गए, इतने ज्यादा लोगों ने इसको लाइक कर लिया, 448 ने कर लिया, 6 ने कमेंट किया, 15 ने शेयर्स कर दिया, बाकी किसी के साथ तो कोई इस तरह नहीं कर रहा, एक दो शेयर होंगे या एक दो लाइक्स होंगे या 5 7 लाइक्स होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए 11 9 1 शेयर 9 लाइक्स, 8 लाइक्स 1 शेयर, 13 लाइक्स 2 कमेंट्स, 10 लाइक्स 1 कमेंट 2 शेयर्स, 12 लाइक्स, ये इसकी एक स्टैंडर्ड, मतलब इसको ये इतनी इंगेजमेंट आ रही है। लेकिन वो एक पोस्ट ऐसी उसमें से उठी है कि आप उस पर देखो तो उस पर अचानक से, और हालांकि बहुत पुरानी भी नहीं है, ये देखें जनवरी 17, इससे पुरानी पुरानी पोस्ट में उस पर 10 10 12 12 लाइक्स हैं, और यहाँ पे 448 लोगों ने लाइक किया, 6 ने कमेंट किया, 15 ने शेयर किया, नीचे जो कमेंट्स होंगे मुझे यहाँ पे कंफर्म है कि इस पर्सन ने इसके ऊपर ऐड चलाया, इस प्रोडक्ट के ऊपर इसने ऐड रन किया है, कुछ ना कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी की है, वरना बाकी पोस्टों की निस्बत इसके ऊपर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स क्यों आए। और पोस्ट पुरानी भी नहीं है, 17 जनवरी की है, आज क्या डेट है, 21 है, 4 दिन पुरानी पोस्ट है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास कमेंट्स नजर आ रहे हैं, कमेंट्स देखो कमेंट्स कब से कब तक हैं, 14 आवर्स अगो, 1 डे, 2 डे, 2 डे, 14 आवर्स, 1 डे, 2 डे, तो इसका ये जो लास्ट जो इंगेजमेंट आई है 14 आवर्स अगो हुई है, तो मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसे कल परसों फिर देखूंगा, 14 14 आवर्स है अगर, तो रेगुलर आती जा रही है इंगेजमेंट तो हो सकता है कि इसकी कैंपेन अभी भी रनिंग में हो। और अगर आप देखें कि नहीं, एक डेट थी, मतलब आज से 10 दिन पहले ये ऐड लगा, इस पर 10 दिन पहले इसमें एंगेजमेंट स्टार्ट हुई और 7 7 8 दिन पहले खत्म हो गई, 2 3 दिन सिर्फ एंगेजमेंट चली, उसके बाद खत्म होगी, क्योंकि आपको जो लास्ट कमेंट नजर आ रहा है ना यहाँ पे, वो आज से 7 दिन पहले का नजर आ रहा है, आज से 6 दिन पहले का नजर आ रहा है, या जो फ्रीक्वेंट कमेंट्स थे वो आज से 6 दिन पहले के नजर आ रहे हैं, उसके बाद कोई एक आधा कमेंट आया है इन पिछले 6 दिनों में, एक या दो कमेंट आए हैं, तो जब वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ना, वो दिन वो वाले दिन थे जब उसने ऐड चलाया हुआ था, लोग आ रहे थे, लोग ऐड देख रहे थे, कुछ इंगेज कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, और जब उसने ऐड बंद किया तो उसके बाद लोग फिर इंगेज नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो ऐड चल नहीं रहा, तो अब जेनेरिक जनरल ऑडियंस है जो इसकी ऑर्गेनिक ऑडियंस है वही है, तो इसलिए लोग इंगेज नहीं कर रहे। तो अगर ऐड सिर्फ 2 3 दिन में आपको कमेंट्स का फ्लो ज्यादा नजर आ रहा हो, तो दैट मीन्स कि उसने ऐड चलाया है, उसने 2 3 दिन टेस्ट किया है, वो ऐड नहीं सही चला, उसने बंद कर दिया, तो ये प्रोडक्ट वो उस तरह की विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको ना लें। लेकिन अगर आप देखो कि क्या ऐड चला हुआ है, ये पोस्ट है, ये 1 जनवरी को हुई है और 20 जनवरी तक इस पे कमेंट्स पे कमेंट्स हैं, या 15 जनवरी तक कमेंट्स पे कमेंट्स हैं, शेयर पे शेयर हैं, ये कमेंट्स आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे,
बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं, यकम जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, 15 जनवरी तक आपको फ्रीक्वेंटली कमेंट्स पे कमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक एक दिन के आपको कितने कितने कमेंट्स नजर आ रहे हैं। 15 जनवरी के बाद 20 तक या 21 तक सिर्फ 4-5 कमेंट आए हैं रेंडमली, वो कल आया, वो परसों आया, और इस तरह से वो फ्लो खत्म हो गया जो पहले फ्लो आ रहा था। तो दैट मीन्स कि उसने यकम जनवरी से लेके 15 जनवरी तक उसने एड चलाया था, वो पैसे लगाता रहा, और 15 दिन अगर पैसे लगाए हैं तो दैट मीन्स वो एड उसके लिए प्रोडक्टिव था, उस पे उसकी सेल्स हुई है, इसलिए उसने 15 दिन उसके लिए पे किया है। अगर 2-3 दिन का सिर्फ फ्लो नजर आए तो मीन्स के वो फ्लॉप एड था, वो लूजर था, वो एड नहीं चला, उसने उस तरह से सर्व नहीं किया जैसे करना चाहिए था। लेकिन अगर एक एड 15 दिन तक चल रहा है, 15 दिन तक एंगेजमेंट नजर आ रही है, तो दैट मीन्स के वो एड असल में काम कर रहा था। तो आपके पास एक प्रोडक्ट नजर आ रही है आपको कि जो एक विनिंग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी उसको लेके चल सकते हो। समझ आ रही है मेरी इस बात की, इस पॉइंट की? ये थोड़ा सा हंटिंग है ना, तो थोड़ा सा क्रिटिकली सोच के फिर आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि ये क्या हो रहा है। जी, अगर 15 दिन तक एक्टिविटी नजर आ रही है मीन्स कि 15 दिन ऐड चला है या अभी भी चला जा रहा है, आपको 1 जनवरी से लेके अब तक कमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि इससे पता है क्या फायदा क्या होता है, ये बात पहले मुझे बताओ, समझ आई आप लोगों को? इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट तो चलती है। पहले तो आप एक आंखें बंद करके प्रोडक्ट उठा रहे हो ना, पता नहीं चलती है, पता नहीं नहीं चलती, ये भी डाउट है। अब आपके पास प्रोडक्ट जो आएगी वो ये कंफर्मेशन है कि ये प्रोडक्ट बिकती है, भाई किसी ने सेल की है, इतना अर्सा उस पर एड चलाई है, अभी भी चल रही है, तो प्रोडक्ट बिकती है, ये कंफर्मेशन मिल गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढना है उसकी, उसकी विनिंग ऑडियंस फाइंड करनी है उस पर एड चला के, और आपकी चीज भी बिकेगी। तो एक टेंशन खत्म होगी कि प्रोडक्ट मिल गई जो प्रोडक्ट बिकने वाली है। तो ये थोड़ा सा बस क्रिटिकली आपको थोड़ा सा टाइम लगा के इसको देखना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद, अच्छा यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा हुआ था, ये भी हो सकता है कि ये लोगों को अच्छी लगी हो। शाबाश, इतनी अच्छी लगी, ऐसे नहीं हो सकता ना यार, पैटर्न होता है, एक चीज का पैटर्न होता है। ये देखो, ये पोस्ट है, ये पोस्ट हुई है 17 को, और इसके ऊपर एंगेजमेंट लेवल देख लो, 448, 615, ये 12 जनवरी को, उससे 5 दिन पहले पोस्ट हुई है, 3 लाइक्स, ये भी 12 जनवरी को ही है, एक, ये आपकी, अच्छा ये तो कवर लगा हुआ है, ये 13 अप्रैल 2018, आज से 2 साल पहले की पोस्ट है, सिर्फ 6, ये 2 साल पहले की पोस्ट है, सिर्फ 3, ठीक है? तो इतना बड़ा पैटर्न कैसे आ गया, इतनी लाइक कैसे हो गई, किस तरह से वो इतनी ज्यादा लेवल पे पहुंच गया, टैग्स इसमें भी यूज कर रहा है, टैग्स उनमें भी यूज कर रहा है। तो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को समझना होता है, और हम इसलिए फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हम लोग अगर ये ऐसा कुछ कर लें ना, अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हम फाइंड कर लें, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, कि ये प्रोडक्ट विनिंग है, हमें इसे लेके चलना है, और फिर आपका सिर्फ अगला काम है उस पर प्रॉपर एड चलाना या उसको अच्छे तरीके से मार्केट करना। प्रोडक्ट आपको मिल गई है, अब प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो डाउट नहीं है, वो बिकती है, वो भाई वो सेल कर रहा है कोई और पर्सन, तो आप उसको लेके चल सकते हो। ये थोड़ा सा पैटर्न समझने की बात है बस। हाँ जी, टूल्स फिलहाल टिल डेट, अभी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ecomhunt.com। अच्छा एक और काम भी है, अगर आप पाकिस्तान के लिए एड हंटिंग कर रहे हो ना, क्योंकि हमारी फेसबुक जारी बात है उसकी आईपी वगैरह पाकिस्तानी है, आप एक काम करो, बाहर भी कर सकते हैं वैसे, या सर्च करो डिफरेंट, ये अपनी सर्च बार में ना डिफरेंट, मतलब आप शूज सेल कर रहे हो, आप शूज सर्च करो, शूज की एड्स के साथ इंगेज करो, ठीक है? एड्स के साथ इंगेज करो, तो होगा क्या कि आपके जो ये जो फीड है ना, इसके अंदर उस किस्म के ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, आप शूज सेल कर रहे हो, मेन शूज, तो आप मेन शूज ओपन करो, ये देखें मेन शूज, ये ओपन किया, और नीचे आपके पास शूज वगैरह के रिलेटेड ये जो पोस्ट वगैरह आ रही है इनको लाइक कर लो, इनके साथ इंगेज करो, ये लाइक कर दिया, इंगेज कर दिया, ठीक है? यहाँ शूज सर्च भी कर लिया आपने, तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग लोग करते हैं ना, अब ये देखो ये है, इसमें ऐसी आपने इसको भी लाइक कर दिया, तो इस तरह से ना कुछ शूज की पोस्टों के साथ इंगेज कर लो, डिफरेंट पोस्ट को जाके लाइक कर दो उनको, इस तरह से इंगेज कर लो उनके साथ, कमेंट कर दो, लाइक कर दो,
होगा क्या, आपकी फीड के अंदर शूज के ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इंटरेस्टेड पर्सन बन गए हो। फेसबुक ऐड चलाते हुए इंटरेस्ट रखा था ना, इंटरेस्ट के अंदर हमने रखा था हैंडबैग्स में जिसका इंटरेस्ट हो, तो ऐसे ही हम लोगों ने इंटरेस्ट को टारगेट, इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्टेड पर्सन बन गए हैं, क्योंकि हम अपने सर्च बार में जाके जो है वो इंटरेस्ट सर्च कर रहे हैं, हम लोग उन उस तरह की एड्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हमें जो फेसबुक है वो हमारी फीड के अंदर शूज की जो एड्स है वो भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, तो हमें पता लगेगा कि हमारे कंपेटिटर्स क्या एड रन कर रहे हैं, किस किस्म के शूज की एड्स रन हो रही है, किस कैसी हो रही है, ज्वेलरी है तो उसकी कैसी हो रही है। तो जो आप सेल करना चाहते हो आप उसके रिलेटेड सर्च करो, और उसके रिलेटेड जो आपके पास पोस्ट वगैरह आएगी उस पर कमेंट करो या उस पर एंगेज करो, उनके साथ लाइक वगैरह करो, तो होगा क्या कि आपको एड्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी उसी तरह के, तो आपके फिर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, प्रोडक्ट्स भी आपके सामने आएंगे कि शूज में क्या क्या कुछ सेल किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड होता है, ये भी आप कर सकते हो। फिर टूल की बात करूँ तो ये ईकॉम हंट है, ईकॉम हंट में आप आए, फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन 3 प्रोडक्ट्स आप पर डे देख सकते हो। पेड प्लान इसका $20 से स्टार्ट होता है, लेकिन अच्छा है, मजे का है। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे लॉग इन करें, यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हंट कर करके यहाँ पे लिस्ट करते रहते हैं। तो $20 अगर आप पे कर देते हो तो आपको ये फायदा है कि आपको यहाँ बनी बनाई प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी, बस आपको जरा प्रोएक्टिव होना है, जैसे ही प्रोडक्ट नजर आए उठा के उसको फटाफट ऐड चला दो, तो ये आपको डिफरेंट डाटा शेयर करेंगे उसके बारे में, जो भी ऐड ये जो लोग यहाँ लिस्ट करते हैं उसके बारे में प्रॉपर डाटा शेयर करते हैं। तो ये देखें जो रिसेंट एड्स है ना, बिल्कुल लेटेस्ट, वो नहीं दिखाएंगे, 3 दिन पहले की दिखाएंगे आपको। ये देखिए 62 आवर्स के बाद ये मुझे ऐड विजिबल होगा, ये 38 आवर्स के बाद, तो ये 3 दिन पहले का जो डाटा है, 3 डेज अगो, 4 डेज अगो, 4 डेज अगो, 3 दिन पहले का डाटा मुझे दिखाएंगे, और जो अभी रिसेंट है वो नहीं दिखाएंगे, वो मैं पेड प्लान लूंगा तो मुझे वो भी दिखाएंगे। अब इसमें कैटेगरीज बनी हुई है, अब जिस कैटेगरी का आपका स्टोर है आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सपोज ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज है तो उसको कर लें, लाइट्स एंड लाइटिंग है तो उसको कर लें। अब मेरे पास, मैं वैसे रैंडम जाता हूँ, अब देखें इसने प्रोफेशनल पोलराइज्ड फिशिंग ग्लासेस जो है ये 3 दिन पहले की इसने पोस्ट की हुई है। अब शो मी द मनी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ओपन करके इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करेगा। 3 दिन पहले ये लगी है, सेल विद ओबेरलो, वो कह रहे हैं कि आप इसको ओबेरलो से सेल करें। उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, योर प्रॉफिट मार्जिन एंड कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है AliExpress के ऊपर $4.49 है, जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 24.95 है, प्रॉफिट मार्जिन 20.46 है। अब देख लो कितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, ये मल्टीप्लाई बाय 5 करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब सैचुरेशन पॉइंट, बहुत सारी दुनिया इसको सेल नहीं कर रही, सिर्फ 10 स्टोर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे और क्या फर्दर, आप नीचे आओ, ये लिखा हुआ आ रहा है अनलॉक डाटा, 2 अनलॉक्स फॉर टुडे, 2 अनलॉक्स मैं कर सकता हूँ फ्री प्लान में, पेड में अनलिमिटेड है, तो मैं अनलॉक डाटा करके दिखाता हूँ आपको कि अनलॉक डाटा में आपको और क्या नजर आएगा हर एक प्रोडक्ट के लिए ईकॉम हंट से। तो जब मैंने अनलॉक डाटा किया तो अब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे देखें वो ये बता रहा है आपका जो इंगेजमेंट है 2.3K लाइक्स हुए हैं जिस पोस्ट से इन्होंने ये उठाया है, 632 कमेंट्स, 957 शेयर्स, 284 रिएक्शंस, तो एक इंगेजिंग प्रोडक्ट ये साबित हुई है ये जहाँ से उन्होंने पिक की है, ठीक है। उसके बाद अली एक्सप्रेस के ऊपर 927 ऑर्डर्स हैं, 5,453 वोट्स हैं, रिव्यूज रेटिंग्स शो बाय रिव्यूज ये लिखा हुआ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन $3 से $6 तक पड़ती है आपको, और नेट जो है वो 17 हो गया। उसके बाद ये फेसबुक एड, फेसबुक एड भी आपको दिखाएगा जो उन्होंने हंट की है, अगर अगर आपका पेड मेंबरशिप होगी तो वो फेसबुक एड भी आपको नजर आ जाएगी, तो फेसबुक एड्स भी आपको दिखाएगा, 1-2 जहाँ पे भी इन्होंने देखा है वो एड्स आपको यहाँ नजर आएंगी। और ये वीडियो अवेलेबल है इसके साथ, अगर आप उसको यूज करना चाहें तो वीडियो भी यूज कर सकते हैं। टारगेटिंग भी आपको दिखाएगा कि टारगेटिंग कौन सी इसमें जो है वो प्रेफर्ड है, की जा सकती है, और उसमें आप अनलॉक रिसोर्स करेंगे लेकिन अगर आपके पास पेड प्लान होगा। और फिर नीचे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स दिखाए हुए हैं जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, और अगर आप इन लोगों को अप्रोच करो और इनसे शाउट आउट्स करवाओ तो आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। शाउट आउट्स क्या, कि कोई पर्सन है वो, मतलब सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है,
और उसके ऊपर अच्छी, उसके पास अच्छी ऑडियंस है, तो आप उससे कहते हैं कि 24 आवर्स के लिए मेरी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे लगा दें, तो जो प्रमोशनल पोस्ट होगी, और उसके लिए आप उसको पे कर देंगे। अब उसमें से जो भी सेल्स आएंगी, जो कुछ आएगा वो आपका है। तो उसने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी आपको बताए हुए हैं, तो टारगेटिंग फेसबुक एड्स ये भी नजर आ जाएगा। तो कितना कुछ है जो आपको शायद मैनुअली हंट करते हुए बड़ा टाइम लगे, वो आपके पास यहाँ पे सारा अवेलेबल है। और अगर आपके पास पेड प्लान होगा तो फिर जो लेटेस्ट आ रहा है, जो नई से नई चीज ऐड हो रही है, आप फटाफट से उठा के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। 3 दिन का वेट नहीं, 3 दिन में कितने लोग उसमें आ जाएंगे, तो सेचुरेशन पॉइंट नहीं होगा स्टार्टिंग में। जैसे ही आएगी फौरी तौर पे आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये फिशिंग ब्रैकेट है इस तरह से, तो ये तो मिक्स हो गई ना। अब आप स्पेसिफिक चाहते हैं, अब देखें होम इम्प्रूवमेंट, इसके रिलेटेड आपका स्टोर बना हुआ है और आपको सिर्फ होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट्स चाहिए, तो होम इम्प्रूवमेंट के अंदर देखें 1 वीक अगो, 1 वीक अगो, 2 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो, ये डिफरेंट जो है उन्होंने हंट करके प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट की हुई है। और ये वो प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, वो हंटिंग करके यहाँ पे उसको अपलोड करते जा रहे हैं। तो ई कॉम हंट आप यूज कर सकते हो। जी, फेसबुक एल्गोरिदम का यूज था, वो जो पहले बताया था। ये प्रोडक्ट फेल थी बाबर को, जो पहले वाली थी ना, जो मैंने आपको ये दिखाई है, जो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आई थी, वो जिसके लाइक्स बहुत ज्यादा, मतलब वो अचानक से बाकी पोस्ट से ज्यादा थे, वो फेल है। फेल क्यों है? कि वो 2-3 दिन आए हैं, उसके बाद रुके हुए हैं। अभी 1-2 दिन बाद फिर देख लूंगा, वो फेल नजर आ रही है। 2-3 दिन ऐड तो टेस्टिंग में जाता है, उसके बाद नहीं चलता तो लोग उसको डाउन कर देते हैं। मंथली है जी शहबाज, मंथली पेमेंट है इनकी। ठीक है, तो ई कॉम हंट हो गया, उसके बाद वापिस आता हूँ मैं। अब बर्लो का एक और फीचर आपको बताना है मुझे, वो बताता हूँ मैं। एक और फीचर बर्लो का क्या है, बर्लो की ऐप भी अवेलेबल है, ऐप एक्सटेंशन बफर को याद करो उस किस्म की। सेटिंग में जाओ लेफ्ट साइड बार से, या सिंपल बनाता हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल गूगल कर लो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे कर लो बर्लो। ऐप एक्सटेंशन कुछ भी अभी नहीं, ये आ रहा है बर्लो ड्रॉप शिपिंग ऐप। अच्छा, ये क्रोम नीचे आ रहा है, एक्सटेंशन लिख लो, एड ऑन लिख लो, ज्यादा जल्दी आ जाएगा। एड ऑन कर लो, एड ऑन आ गया। तो एड ऑन ये सबसे पहले यही आया है क्रोम का, इसको ओपन कर लें। यहाँ पे एड टू क्रोम पे क्लिक करें, एड एक्सटेंशन करें, ये इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, और यहाँ पे आपके पास ऐप आ जाएगी। जी, क्रोम में ऐड हो गई है, मैं उसको पिन कर लेता हूँ। ये बदल लो आपका, ये ब्लू कलर का आइकन है इसका, ये अब बदल लो आपका। ठीक है, अब आप क्या करें, अली एक्सप्रेस ओपन करें। एक तो साइड दिखा दी ना मैंने बर्लो के डैशबोर्ड के अंदर जो जो कुछ हो सकता है। अब आप अली एक्सप्रेस ओपन करें, एक तो ये आरयू ले दे के बैठ गया, चलें। अब आप देखें अली एक्सप्रेस पे हैं, और अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मीन्स के वही रिंग बार बार सामने आ जाती है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से ही अबरलो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। कि आप विद इन अबरलो तो सर्च कर ही रहे हो, आप कहते हो नहीं मैं अली एक्सप्रेस पे ही हूँ, वहीं से चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो वो कैसे करूँ? तो आप क्या करेंगे, अली एक्सप्रेस ओपन करेंगे, वो प्रोडक्ट ओपन करेंगे, और ये अबरलो की ऐप आपके पास है, इसको आप करेंगे क्लिक। ये आप कह रहे हैं यू कैन स्टार्ट यूज फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन अली एक्सप्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। ये प्रोडक्ट फुल ओपन होने दें, उसके बाद ये आपको नजर आएगा कैसे काम करता है। तो ये डॉट कॉम, चलो
.com पे पता नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आना चाहिए। देखिए लैंग्वेज कैन बी एन इशू, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। .com दोबारा ओपन करके देखता हूँ, फिर वो आर यू पे ले गया। ठीक है, मुझे कैसे कुकीज रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा फिलहाल। ना भी इसने नहीं मानना। वीडियो दिखा दूं आपको, ये असल में वन क्लिक में आपके अली एक्सप्रेस से भी इम्पोर्ट करके ले आएगा। कोई भी प्रोडक्ट आपने ओपन की हुई है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी आप हो, वहीं भी आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू बिरलो। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐड या ऐड टू बिरलो इम्पोर्ट लिस्ट लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधी प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो जाएगी आपकी यहाँ पे इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर। तो एक तो ये फीचर है ना कि फाइंड प्रोडक्ट्स यहाँ से कर सकते हो, दूसरा ये है कि अली एक्सप्रेस से आप यूज़ कर रहे हो और अली एक्सप्रेस के ऊपर ही आपको कुछ चीज़ अच्छी लग गई है, आप उसको वहीं से डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे सिंपल यहाँ पे ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ये एक्सटेंशन अगर आपके पास होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगी प्रोडक्ट आपकी बर्लो इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे आके आप उसको जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है वो करके आप उसको लाइव कर सकते हैं। तो ये उसका सेकेंड ऑप्शन था, बिल्कुल बफर जैसा है, उससे मिलता जुलता। लेकिन ये प्रॉब्लम इज दिस के यहाँ पे अभी वो ये जो आर यू आ रहा है शायद इसकी वजह से ना काम नहीं कर रहा है, या ब्राउजर रिस्टार्ट मांग रहा है, तो ये एक इशू हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे आ नहीं रहा, क्योंकि स्टेटस वगैरह इसका सब कुछ ओके है। हाँ जी सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टिल नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो जो आपका ये फीचर है, ये जो आर यू आ रहा है .com से करना होगा इसने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नोट श्योर कि क्यों नहीं वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, कुछ मेरी सियासत कर रहा था कोई। मेरी सियासत को कर रहा था तो बताइए मुझे। नहीं भाई नहीं, ऑप्शन आ रहा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑर्डर इन लास्ट 30 डेज और ये सारी चीज़ें बता रहा है, प्रोडक्ट इन्फो बताना शुरू कर दिया उसने, लेकिन इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। चलें जी अब कर लीजिएगा ट्राई, ना समझ आए तो बताइएगा मुझे। इनकॉग्निटिव में एड ऑन नहीं ना चलते, एड ऑन कैसे चलाऊंगा जी, कस्टमर हमें देगा और हम लोग फिर अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर देंगे और एड्रेस दे देंगे आगे उस पर्सन का, जैसे मैंने इतने ऑर्डर दिए हुए थे सब में सिर्फ एड्रेस चेंज था। अगर डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है तो डिफरेंट लैंग्वेज में जाएगी, या आपने अगर लैंग्वेज के लिए कुछ बनाया, आपने प्लगइन अपना ऐप वगैरह की हो तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रोडक्ट आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा राइट साइड पे, जिसमें ओबरलो आपको इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट को, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करना है, सिंपल वो प्रोडक्ट उठ के इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगी, और यहाँ से फिर आगे आप उसको देख सकते हो। एक और ऑप्शन भी है कि आपने प्रोडक्ट देखी, ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, इसको कॉपी करो। आप कह रहे हो कि मैं कहाँ पे जाके इधर फाइंड करता फिरूँ ओबरलो में जाके, आपको एलीएक्सप्रेस भी अच्छी लगी, आप उस पर कॉपी करो उसका लिंक करके यहाँ पे आओ, यहाँ इंपोर्ट लिस्ट में या फाइंड प्रोडक्ट्स में आए आप,
ये भी ऑप्शन आ रहा था बल्कि, ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी, वो करें और आप सिंपल प्रोडक्ट का जो लिंक है कॉपी पेस्ट कर दें। जैसे ये देखिए इंपोर्ट लिस्ट में मैं गया, ये आ रहा है ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का लिंक पूरा दो और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो तो यू कैन ओनली ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस, प्लीज एंटर अ वैलिड अली एक्सप्रेस यूआरएल और आईडी। दोबारा इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके। हाँ और प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो आप उस जो भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करनी हो उस प्रोडक्ट का लिंक उठा के आप बर्लो में, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन था ये वाला ऐड प्रोडक्ट्स बाय यूआरएल और आईडी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का लिंक दे दें, ऐड कर लें ऐड हो जाएगा, या आईडी दे दें जो आईडी इसके लिंक के अंदर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें ये कॉपी करो, इसको करें कॉपी, बर्लो में आए यहाँ पे करें पेस्ट एट डॉट कॉम। ये वही कोई इशू हो रहा है जी, वरना प्रोडक्ट का ये एक तो रशियन क्यों नहीं जान छोड़ रही। बस आपने लिंक कॉपी करना था, लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, उस प्रोडक्ट को ऑटो पिक करके वहाँ पे ऐड कर लेगा। और सर्च भी की जा सकती है, टाइटल पास हो तो टाइटल सर्च भी की जा सकती है, पर ये टाइटल वगैरह हर चीज़ ही अजीब सी लैंग्वेज में चली गई है। तो दो तीन फीचर हैं बर्लो के। पहला फीचर जो आप डायरेक्ट फाइंड प्रोडक्ट कर सकते हो, सेकंड फीचर है कि आप इंपोर्ट लिस्ट में आके प्रोडक्ट आईडी या लिंक से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड फीचर है कि आप एक्सटेंशन ऐड कर लो और एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए जो प्रोडक्ट आपने ओपन की होगी उसमें बर्लो आपको ऑप्शन देगा ऐड करने का, आप क्लिक करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल जो है ना बर्लो के फीचर्स हैं जो किए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑर्डर प्लेसिंग वाली साइट पर भी जा सकते हो जो डायरेक्ट बर्लो के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो भी एक्सटेंशन काम करे तो वो मैं आपको उसका थोड़ा बहुत बताऊँ। प्लेस तो नहीं हम करेंगे लेकिन बस थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा किस तरह से वो होता है। तो प्रोडक्ट ऑर्डर्स भी प्लेस किए जा सकते हैं अगर आप प्लेस करना चाहें अपने बर्लो ऐप के थ्रू। सो यही हो सकता है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे अब कैशे कुकीज रिमूव करता हूँ तो फिर सारा पासवर्ड भी चले जाने हैं दोबारा, तो फिलहाल वो मैं नहीं कर रहा। इसकी वीडियो अवेलेबल है अगर आपको कभी अब थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े, अगर आपने देखना हो कि वो किस तरह से काम कर रहा है, तो आपने उसके हाउ योर डाटा इज यूज्ड अबेलो या आपके पास अबेलो वीडियो की बात करें, बल्कि यहाँ पे अवेलेबल थी, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। जब हम लोगों ने इसके होम पे आए थे, ये अबर्लो इंस्टॉल किया था, तो इसके होम के ऊपर ही आपके पास वीडियो आ रही थी। बिल्कुल बॉटम पे आप आएँ, आप क्विक ओवरव्यू, इसके अंदर आपको हर चीज़ बताई गई जो अभी यूज़ कैसे यूज़ करना है इसको। एक्सटेंशन में जो डिटेल्स ऑफ एक्सटेंशन में है, चलो इतनी टेंशन क्या लेनी है, अब आप कर लेना, समझ आपको आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि कर लेना अगर कोई इशू हुआ तो फिर देख लेंगे इसको। किसी और स्टोर में भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से भी अगर इंपोर्ट करनी है प्रोडक्ट्स, तो वो तो आप लिस्ट बना लेते हो यार, वो तो एक और मेथड है। उसमें ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स है ना आपकी एक स्टोर के अंदर, इनको सारों को ऑल सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट ऑल हो गया, ये एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद जिस नए स्टोर में जाके इम्पोर्ट करना है वहाँ जाके इम्पोर्ट कर दो बस। तो वो तो ये मेथड होगा कि पहले अगर इस स्टोर से लेके जानी है तो ये सारी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में करंट पेजेस, ऑल प्रोडक्ट्स क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड थ्री प्रोडक्ट्स क्या करना चाह रहे हो आपने बताना है। तो वो करने के बाद इसको कर लेना है आपने एक्सपोर्ट, और उसके बाद जिस स्टोर के अंदर आपने इसको इम्पोर्ट करना है स्टोर में जाएं, स्टोर में जाके यार प्रोडक्ट्स में आए और वहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करें, इम्पोर्ट पे क्लिक करके ऐड फाइल करें, वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो वो ये अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो कर लें, कोई इशू आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको देख लेता हूँ, ये खत्म हो ही जाएगा या मैं कैशे वगैरह रिमूव कर लूंगा इसको, तो इसको दोबारा देख लेंगे लास्ट पार्ट को जो मैं बता रहा हूँ। वरना वैसे इजी है, बहुत सिंपल है, एक्सटेंशन का काम मैंने आपको बता दिया क्या करना है उसने।
अभी आप खुद करोगे या अभी कोई साथ मेरे कर भी रहा था तो उससे हो गया होगा, उसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी। अच्छा, अब वर्डप्रेस के अंदर कौन सा टूल है इसी तरह का, वो है अली ड्रॉप शिप। अली ड्रॉप शिप, ये आपका वर्डप्रेस के लिए है भाई, ये भी पेड है, लेकिन अगर इसको आपने यूटिलाइज करना है, फिलहाल इससे लर्निंग करनी है, इसको सीखना है, तो इसके क्रैक्ड मिल जाएंगे आपको, क्रैक वर्जन इसका मिल जाएगा जिसको यूज किया जा सकता है। तो ये प्लगइन है, इस प्लगइन को हम लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। बाय प्लगइन गेट कस्टम स्टोर, पूरा स्टोर भी ले सकते हो आप बना बनाया, और प्लगइन भी बाय कर सकते हैं। तो बाय प्लगइन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने उसकी जो टोटल प्राइस है वो आ जाएगी। ये प्लगइन आपका, इसकी प्राइसिंग बाय प्लगइन $89 का प्लगइन है, ठीक है, $89 का आपको ये प्लगइन परचेज करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अपडेट एंड सपोर्ट फ्री, ऑटोमेशन ऑफ ऑल प्रोसेस, अनलिमिटेड प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम, पेमेंट फॉर ऑल फीचर्स टू मैनेज योर स्टोर। तो मेन फीचर क्या है, वन क्लिक इम्पोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, यही काम आपका बिरलो कर रहा है। सर्च करें, वन क्लिक में इम्पोर्ट कर लें, फुली कंपेटेबल विद वूकॉमर्स, वूकॉमर्स आपका कंपेटेबल होना चाहिए क्योंकि आपने वर्डप्रेस के अंदर अगर ई कॉमर्स स्टोर चलाना है सही प्रॉपरली तो वूकॉमर्स उसमें होना चाहिए। फ्री पैकेज ऑफ 50 अली एक्सप्रेस बेस्ट सेलर्स, बेस्ट सेलर्स अली एक्सप्रेस के जो 50 हैं वो भी लिस्ट किए हैं मैंने उसके अंदर। ऑल इन वन सोल्यूशन टू मैनेज योर बिजनेस, तो आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो सर्च एंड इम्पोर्ट, सर्च करो, इम्पोर्ट कर लो प्रोडक्ट्स, बिल्ट इन थीम्स अवेलेबल हैं वो यूज कर सकते हो। प्राइसिंग ऑटोमेशन है, जैसे मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने किया था, यहाँ पे भी आप उस तरह की ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटो अपडेटिंग, इन्वेंट्री चेंज हो रही है, कुछ डाटा चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपको ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। वू कॉमर्स सपोर्ट और प्लेस ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली, आप इसके थ्रू अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर्स भी जो है प्लेस कर सकते हैं, और मोर फीचर्स में जाओगे तो वो बाकी चीजें बता देगा। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम वही काम कर रहा है जो अवेलो आपका शॉपिफाई के लिए कर रहा है, और ये जो है ये आपका कर रहा है वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। ये देखिए, कस्टमाइजेशन में बिल्ट इन थीम है, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट वेरिएशंस जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, बिल्ट इन इमेज एडिटर है, इमेज एडिट कर सकते हो आप, इंपोर्ट करते हुए इमेज एडिट कर सकते हो, मीन्स किसी इमेज के अंदर लोगो वगैरह लगा हुआ है किसी का तो आप उसको वहीं पे एडिट करके रिमूव कर दो। तो इस तरह की चीजें, फिर आपके डिस्काउंट कूपन, प्रोडक्ट रिव्यूज इंपोर्ट हो सकते हैं, और बस ये बाकी सारी चीजें। तो ये सेम वही काम करता है जो आपका अली एक्सप्रेस के, जो आपका बर्लो करता है अली एक्सप्रेस के लिए शॉपिफाई पे, ये आपका करेगा वर्डप्रेस पे। तो अली ड्रॉप शिप इस प्लगइन का नाम है, वन ऑफ द बेस्ट वन, और अगर इसका क्रैक लेना है तो अली ड्रॉप शिप क्रैक ये सर्च करो। आपके पास बहुत सारे क्रैक यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ये देखिए नल्ड का मतलब वही होता है क्रैक्ड, अली ड्रॉप शिप क्रैक, ठीक है। तो कोई भी ये आप लेके अपने फ्री साइट के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये काम कैसे करता है, और अगर इस प्रॉपर इस पे काम करना हो तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा, जो फ्री में जो अवेलेबल है वो इस लेवल तक इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर लो भी पेड है वो ट्रायल बस दे रहे हैं, और ये भी पेड है, तो अगर इसे ऑटोमेशन करनी है तो फिर पेड पे जाना पड़ेगा। ई कॉम हंट बताया मैंने, मैंने जी शॉपिफाई बनाया था उस टाइम, फिर मैंने उसको बाद में वर्डप्रेस में मूव कर दिया था। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करें, उसके बाद शॉपिफाई नहीं वर्डप्रेस बनाएं। शॉपिफाई एक्सपेंसिव है, आप लोगों को 3,000 4-5 हज़ार पर मंथ तो पक्का है ना, इससे कम तो है ही नहीं, इसलिए अभी वो ना जाए इस पर, फिलहाल फेसबुक से स्टार्ट लें, और बाकी पेजेस सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। अगर जल्दी सेल्स चाहते हो तो एड्स की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें ना जो मेन चीज है, आपके जो खर्चा है वो एड्स के ऊपर होगा। एसईओ करते हो वो तो टाइम से रिजल्ट लेके आएगी, तो एसईओ तो कर सकते हो आप, चलता रहेगा, क्विक रिजल्ट लाने हैं तो एड्स, तो प्रोडक्ट आपको बनी बनाई मिल रही है,
उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हो, ऐड कर रहे हो, पेजेस वगैरह बना रहे हो, वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, वो सारी आपकी अपनी एबिलिटी है। अब आपका जो जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है, जो मेन एक्सपेंस हो रहा है, वो मेन एक्सपेंस क्या है? वो आपका मेन एक्सपेंस है कि आप लोगों ने मार्केटिंग के ऊपर जो पैसे लगाने हैं, अगर आप पेड मार्केटिंग पे जाते हो तो उस पे जो खर्चा होना है वो आपका मेन एक्सपेंस है ना। प्रोडक्ट पे कोई खर्चा है, कोई और चीज नहीं है। और बाहर कर रहे हो तो पहले चीज आपकी सेल होगी, पैसे पहले आपके पास आएंगे और उसी में से फिर आप आगे पे कर रहे हो अली एक्सप्रेस को, तो इसलिए वो भी कोई आपकी टेंशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो मेन चीज जो है वो है आपकी मार्केटिंग, वो एक्सपेंस है और कुछ भी नहीं है जी। खुद ही करेगा अली एक्सप्रेस, खुद ही उसको मतलब उसका जो सेलर है उसको पैक करके खुद ही शिप करेगा। स्टोर पे चलाएंगे ना, लेकिन फेसबुक पेज के बगैर नहीं ना चलेगी। फेसबुक पे चलानी है तो फेसबुक पेज होना जरूरी है, इंस्टाग्राम पे चलानी है तो इंस्टाग्राम पेज होना जरूरी है। प्रोडक्ट बहुत अहम है जी, मार्केटिंग बहुत अहम है। ठीक है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए और मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अंदर हेडिक कम है ना, पिक्चर्स भी बनी बनाई, हर चीज बनी बनाई, सब कुछ बना बनाया। आपका काम है ऐड चलाना, उस पे पैसे लगाओ और आप सेल्स लेके आ सकते हो, डे वन से सेल स्टार्ट हो सकती है। तो ड्रॉप शिपिंग इज अ गुड मॉडल, बस जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। तो अगर आपको स्टोर बनाना भी आ गया इंशाल्लाह, जो मंडे से मैं क्या करूंगा, मंडे को मैं वर्डप्रेस या पहले शॉपिफाई खत्म कर लेते हैं और फिर मंडे को ही शॉपिफाई इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा मैं स्टोर सेटअप। और जो आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर करवाऊंगा, वर्डप्रेस में स्टोर सेटअप कैसे करते हैं और ईमेल ऑटोमेशन कवर करेंगे। बल्कि ट्यूसडे को क्यों कह रहा हूँ यार, अभी कल का दिन भी तो है, आज थर्सडे है, अभी मैं लास्ट डे समझ रहा था। तो कल हम इंशाल्लाह ताला शॉपिफाई खत्म कर देंगे, मंडे को हम लोग वर्डप्रेस करेंगे और साथ ऑटोमेशन करेंगे, बाकी लेक्चर जो आपको होगी वो करेंगे जिस लाइन में करता हूँ। सर किसी और स्टोर से भी अगर करनी हो प्रोडक्ट इम्पोर्ट तो उसके लिए भी बता दें, ऑल इन वन कोई नहीं है जिससे सारे स्टोर से अपडेट कर सकें और वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पर भी ऐड कर सकें। शहबाज, एक तो मैंने आपको मेथड बताया है, वो ऑटो ही है ना, इंपोर्ट किया और जाके एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट किया और जाके इंपोर्ट कर दिया। उसके अलावा ये हो सकता है कि आप शॉपिफाई के प्रोडक्ट वर्डप्रेस पे शो करवा सको, ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो और डिफरेंट चीज वो है। फिलहाल ये बेसिक्स पूरी कर लें। चलें जी, अभी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछें। हमजा नहीं, वो मैं नहीं करवा रहा, वो अलग से है, वो मैं नहीं करवा रहा। कोई क्वेश्चन किसी का पूछ सकते हैं आप दो? कल इंशाल्लाह शॉपिफाई खत्म करेंगे हम। नहीं की मैंने सेटअप, वो सेटअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि प्रेफर्ड आपका शिपिंग का जो मेथड है जो आपने डिसाइड किया हुआ है जिससे करना है, तो आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो एरिया दिखाया आपको मैंने, की नहीं थी। वर्चुअल असिस्टेंट कुछ भी कर सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो वर्चुअली काम कर रहा हो, जो फिजिकली अवेलेबल ना हो वहाँ पे। मैं यहाँ बैठा यूएसए में किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। अब मैं डेवलपर हूँ तो मेरा डेवलपमेंट के रिलेटेड काम हो सकता है, उसको वो करना पड़ेगा।
मेरा एडमिन के रिलेटेड काम है तो वो एडमिन के रिलेटेड मेरा असिस्टेंट होगा, उसका काम करेगा। मैं डिजाइनर हूं तो मुझे डिजाइनिंग के रिलेटेड जो हेल्प चाहिए होगी वो करेगा। तो जिस काम के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया गया है, असिस्टेंट हायर किया गया है, उसी तरह का काम करेगा वो। तो मैं डेवलपर हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं मार्केटर हूँ, मैं अपना एक असिस्टेंट हायर कर लेता हूँ, तो ये वही काम है। तो मुझे मेरे रिलेटेड जो काम है मैं उससे वही करवाऊंगा। तो वर्चुअल क्या है कि वो वहां पे फिजिकली अवेलेबल नहीं है। जी अली स्पेस के लिए थी। फेसबुक एड्स के एंड डेट नहीं रखते तो जब बंद फिर खुद ही करते हैं। हाँ जी, एक वन क्लिक करो पॉज हो जाएगी। ईकॉम हंट के अलावा और भी होंगे। ईकॉम हंट चीप है, सस्ता है, सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया। एक है वो आपके पास, एक पेक्स्टा भी है, PEXDA, वो भी यूज किया जा सकता है, PEXDA। उसकी प्राइसिंग में देख लो, उसकी प्राइसिंग है जी फर्स्ट 14 डेज के लिए ये 1.95 डॉलर्स ले रहे हैं स्टैंडर्ड प्लान में, और 14.95 पर मंथ, पर उसमें 3 दिन बाद ये प्रोडक्ट को शो करवा रहे हैं। तो वही मसला है ना फिर, जो असल जो सही है ना, जिसमें आपको फौरी तौर पे चीजें विजिबल होगी, वो इनका प्रीमियम प्लान है, वो 24.95 डॉलर्स पर मंथ में है। PEXDA.com ये साइट है। क्लिक फनल को यूज करना बता देंगे प्लीज, फेसबुक और गूगल एड्स वाली जॉब्स में इसका बहुत कहते हैं जी। क्लिक फनल लीड पेजेस प्लेटफॉर्म्स हैं लैंडिंग पेज बनाने के, लैंडिंग पेज के पूरा पेज डिजाइन करने के, जहां पे साइन अप फॉर्म्स और हर चीज लगी होगी और जिसपे वो एड चलाते हैं, तो वो एक पूरी अलग से दुनिया है यार। उसका तो आपको इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जरूरत ही नहीं है उसकी आपको मेरी हेल्प की। वर्डप्रेस में वो करवा दूंगा, उसके बाद उसमें भी कुछ बनाना, वो ड्रैग ड्रॉप से सारा का सारा बन जाता है। विक्स आपने किया हुआ, वीबली आप लोगों ने किया था, तो उसी तरह से है। कोई उसके अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं है कि बड़ा टफ हो वो, कोई ऐसी चीज है। तो क्लिक फनल और लीड पेजेस दोनों पेड है, मंथली चार्जेस है उनके। उनके ऊपर पेजेस बनाने के लिए आप उसको यूज करते हो, लैंडिंग पेजेस फनल्स बनाने के लिए यूज करते हैं आप। जो मैंने मार्केटिंग फनल बताया था ना जी, वो जैसे हर काम में फनल है, लेकिन उसे हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं किस तरह से हमारा विजिटर आएगा और क्या क्या हमने उस सेक्शन परफॉर्म करवाना है, तो लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए। फेसबुक फनल का बता दें तो बताया तो था, तीन तीन पार्ट्स हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो फनल तो मैंने बड़ी ब्रीफ की थी आप लोगों को। फनल हर जगह पे है, फेसबुक में भी है, गूगल एड्स में भी है, एसईओ में भी है, हर तरफ है। समझ नहीं मुझे, मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं कि फेसबुक का या जो भी बोल रहे हैं। डे फर्स्ट से सेल कैसे स्टार्ट हो सकती है जबकि प्रॉपर एसईओ और टारगेट ऑडियंस अप्रोच के लिए टाइम नहीं लगेगा। एसईओ से करेंगे तो टाइम लगेगा, एड से करोगे तो डे वन से भी सेल आ सकती है। काशिप, पैसा लगाओगे तो फिर फॉरन भी सेल आ जाएगी, और अगर एसईओ पे है तो एसईओ पे डे वन में नहीं आ सकती, एसईओ पे टाइम लगेगा। जी मैं कर दूंगा शेयर। बाकी ना आप लोगों को यू डेमी, एक साइट है यू डेमी, मैं बल्कि आपको कल याद करवाना शेयर करूंगा। यू डेमी है, लिंडा है, इनको ज्वाइन करो, उसके अंदर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को देखो तो जो कुछ मैंने करवा दिया है वो तो है ही है, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है और चीजें भी आप साथ साथ लर्निंग आप लोगों ने छोड़नी, वो करते रहना है। ये देखो, ये एक साइट है यूडेमी, छोटी मोटी चीजें जहाँ आप जो आप साथ साथ सीखना चाहते हो आप सीखो यहाँ से। यूडेमी.com पे आओ,
यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज पढ़े हुए हैं, पेड भी हैं, पेड में जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मोर देन इनफ है आपके पास। अब यहाँ पे आप कुछ भी सीखना चाहते हो, जिस तरह अभी मुझे बोला गया क्लिक फनल का, ये कैटेगरीज भी हैं, कैटेगरी वाइज भी जाया जा सकता है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ क्लिक फनल, ये क्लिक फनल आ गया, क्लिक फनल सेल्स फनल, ये जो सब कुछ आपके सामने है। मैं क्लिक फनल सिंपल सर्च करता हूँ, मेरे पास क्लिक फनल रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आ जाएंगे। क्लिक फनल, फनल्स एंड सेल्स, ये सब कुछ आपके सामने आ गया। अब ये देखो, ये पेड है, मुझे फ्री चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड बार पे आपके पास फिल्टर्स आ रहे हैं, इसमें स्क्रॉल डाउन करो, ये प्राइस का ऑप्शन है, प्राइस में आके फ्री पे क्लिक करो। 53 कोर्सेज हैं क्लिक फनल के जो फ्री में अवेलेबल है। ये देखें, हाउ टू क्रिएट सेल्स फनल्स विदाउट क्लिक फनल, अगर क्लिक फनल के बगैर बनानी है आपने, हाउ टू बिल्ड सेल्स फनल विद क्लिक फनल, ये आ गई। तो ये आपके पास रेटिंग इनकी देख लें, 4.4 स्टार रेटिंग है, 459 फीडबैक है, 14 लेक्चर्स हैं, 1.5 घंटे का टोटल कोर्स है, 1.5 आवर्स का, और इसमें आप हाउ टू बिल्ड फनल्स विद क्लिक फनल्स आपके सामने लिखा हुआ रहा है, द कंप्लीट क्लिक फनल्स फॉर ई कॉम ट्रेनिंग फ्री फनल्स। ये भी 4.7 स्टार, लेकिन ये इसकी रेटिंग अभी कम है, 19 लोगों टोटल फीडबैक्स है, ये बहुत अच्छी है। तो आप इसको क्लिक करें, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं, अकाउंट बनाया होगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस कोर्स को ज्वाइन लिस्ट इनलिस्ट करें और इसकी वीडियो कोर्सेज को ये पूरे को देख सकते हैं आप। ये कोर्स कंटेंट क्या क्या इसके अंदर है वो सब कुछ बताया होगा इन्होंने, ये देखिए ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स, ये इंस्ट्रक्टर है जॉन, इसने बताया इसके 4 स्टार इंस्ट्रक्टर रेटिंग है, 5,417 रिव्यूज हैं, 1,50,150 स्टूडेंट्स हैं, 38 कोर्सेज इसने बनाए हैं। तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं, इस तरह से इनको ज्वाइन करके, साइन अप करके आप इसको करें, ये फ्री कोर्स है, तो ये बहुत अच्छा है। फिर lynda.com एक है, lynda.com से करें तो बहुत कुछ मिलेगा। सर जी, सर मैंने पेज बनाया था और ई कॉमर्स का रनिंग साइट पे, लेकिन ऐड टू कार्ट वाला पेज नहीं चल रहा था, उस पे नहीं जा रहा था, क्या इशू था? क्योंकि जब आप वू कॉमर्स करते हो तो ऐड टू कार्ट का पेज तो बिल्ट इन वो क्रिएट कर देता है, डिलीट तो नहीं कर दिया था? जी यूडेमी, सारे लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, अवेलेबल है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, सीखने को बहुत कुछ है, अभी मेरे अंदर भी बहुत सारा ऐसा और नॉलेज होगा जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। पर रियलिस्टिकली सोचो, एक दफा बैठो, इमेजिन करो कि जो स्टार्ट से लेके अब तक इन 2.5 मंथ में, और अभी जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें हमने जितना कुछ कर लिया है, ये इतने टाइम की चीज थी? ये इस टाइम से ज्यादा की चीज थी जो हमने इतने टाइम में कवर की है, और इसके अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं कि अगर आप एक एक चीज भी पकड़ो तो आप उसी के अंदर चले जाओ, तो वही बहुत है आप लोगों के लिए। जितना हो सकता था मैक्सिमम हमने किया है, और कोर्स हमारा एंड है, बस ईमेल ऑटोमेशन आपको बताऊंगा, खत्म है। बाकी जो चीजें हैं डेवलपमेंट की, या ये चीजें आपको जो शॉपिफाई की बताऊंगा या वर्डप्रेस की और बताऊंगा, वो एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ताकि आप अपनी साइट भी खुद बना सको, ताकि जो कुछ सीखा है अपने लिए बना के इम्प्लीमेंट कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्किल पॉलिश भी हो जाएगी, और फिर आगे उसको लेके चलोगे। ट्रेनिंग असल में होती ही ऐसी है ना, देखिए ट्रेनिंग में ये होता है कि कोशिश पता क्या होती है, अब देखो मैं अगर किसी की कोई ट्रेनर जो है उसको पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो मुझे ट्रेनर का नॉलेज चाहिए होता है कि उसने वो जो काम 10 साल लगा के सीखा हुआ है ना, या 20 साल लगा के उसने सीखा हुआ है, मेरे पास वो जल्द से जल्द आ जाए, तो उसको जितना हो सके उसको उससे वो नॉलेज निकाल के मैं अपने पास ले आऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स की तरफ जाते हैं। तो ट्रेनिंग्स होती ये चीज है, ये वो क्लास वाले लेक्चर्स या वो चीजें नहीं है, ये इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसमें वो चीजें होती हैं, वो लाइफ टाइम जो लर्निंग्स होती हैं उसको किसी तरह से कैप्चर करने की कोशिश की जा रही होती है कि यार मैंने तो आज शुरू किया है, मैंने पता नहीं आज से कितने सालों में चीजें सीखनी है, क्यों ना मैं एक ट्रेनर लूँ, उससे चीजें सीखूँ जो उसने ऑलरेडी इतने सालों बाद सीखी है, तो मुझे पहले पता चल जाए, तो उसका वो जो डिस्टेंस है ना, वो जो इतना उसका टाइम फ्रेम है वो कवर हो जाएगा, वो जरा मिनिमाइज हो जाएगा, उसको इतना टाइम नहीं लगेगा उन चीजों तक पहुंचने में जितना उसको अगर अपने आप पे वो काम करते हुए लगता।
तो ट्रेनिंग हमेशा ये चीज होती है। बाकी लर्निंग नहीं खत्म होती, आप सीखते रहेंगे। मैं भी कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीख रहा होता हूँ, हर कोई सीख रहा होता है। तो अगर सीखते रहेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो सर्वाइव करते रहेंगे। अगर अपने आप को स्टॉप कर लोगे तो फिर एक लिमिट तक ही है। नॉलेज भी चेंज हो रहा है, हर चीज नई नई आ रही है, और मार्केटिंग में तो सब कुछ है ही ऐसा। मैंने तला कोशिश की है जितना हो सकता है उसको कन्वे करूं, जिस तरह से हो सकता है कन्वे करूं। अब हर फील्ड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं टच की होंगी शायद मैंने, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है। आप लोगों को वो बताना जरूरी नहीं है, वो आपकी बेस बनाना जरूरी था पहले। वो चीजें वक्त के साथ साथ कुछ समझ आ जाएंगी। एसईओ के अंदर और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों के सामने आ भी रहा होगा और वक्त के साथ आएगा भी, और आप स्लोली स्लोली उसको और सीखोगे, पॉलिश करोगे, एडवांस नॉलेज लेते जाओगे। लेकिन जो आपकी बेस बनाने के लिए जितना आपको चाहिए था, जरूरी था, वो मैंने दे दिया। सेम सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, हर चीज में सेम चीज है। नो प्रॉब्लम जी, मोस्ट वेलकम। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर कल 10:45 पे प्लीज आ जाइएगा। 10:45 पे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह शॉपिफाई पे आपको स्टोर बनाना कंप्लीट कर दूंगा, और मंडे को आते साथ हम वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर कंप्लीट करेंगे और ईमेल ऑटोमेशन की कोशिश करेंगे साथ करें। ठीक है जी, चलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।